बड़े पिता माता के आगे आते, लेकिन कुछ बच्चे होते होते पिता माता बात नहीं सुनते, एकदम बात नहीं सुनते, ये दोष किसका है। हाँ, जब मिलो, जब गर्भ में बच्चा धारण करे, वो अच्छा समय सही धारण करेंगे तो वो बच्चे के ऊपर में पहला संस्कार गर्भ संस्कार है। ये पहला संस्कार गर्भ संस्कार, यहीं से संस्कार शुरू होती है। इसलिए ये राक्षस बनी और उन्होंने पृथ्वी को 7 मोचन ले लिया था। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने छींके तो उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे एक प्राणी सृष्टि हुआ था, और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया, श्री भगवान बराह रूप में अवतरण हुए। बोले श्री बराह भगवान की जय। और उन्होंने लगाया पानी में छलांग, और उन्होंने पृथ्वी को उत्तोलन करके उन्होंने धुरी पर स्थापित की। फिर श्री मनु महाराज पूरा दुनिया को उन्होंने सृष्टि की। ये भगवान की दूसरा अवतार है। बोले तीसरा अवतार कहते श्री नारद जी। लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है ना। क्या कहते हैं तू, क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या, क्या तुम झगड़ा लगा रहे हो? लेकिन ऐसे नहीं, आप देखना ये नारद जी है, कहते इनके बगैर ना ठाकुर जी की कोई भी लीला इनकी बगैर होता ही नहीं, इनकी बगैर कोई भी लीला इनकी बगैर नहीं होता है। आप रामायण देख लो, आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ देख लो, इसका मूल कारण कौन है? ये नारद, नारद जी है। ये रामायण कैसे हुआ वो पता है? रामायण कैसे हुआ है पता आपको है? रामायण कैसे हुआ, इसका सृष्टि का कारण क्या है? बोले एक समय श्री है, एक समय श्री नारद जी की बड़ी अभिमान हो गया। बोले क्या अभिमान हो गया? बोले जो माया को कोई नहीं जीत पाया, वो माया को मैंने जीत लिया है। कहते शंकर भी मोहिनी रूप देखकर मुक्त हो गए, ब्रह्मा भी अपना बेटी को सृष्टि की, अपना बेटी को पीछे ब्रह्मा स्वयं भागे थे। हैं, इसलिए श्री कहते श्री विश्वामित्र जी मेनका के चरण की नुपुर की एक झंकार से ही उनकी भजन भजन उनकी सबके सब नष्ट हो गया। नारद जी ने कहा मेरा माया कुछ नहीं कर पाया, माया मेरा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए नारद जी जब भजन कर रहे थे माया स्वयं आई, लेकिन जब उन्होंने आँख खोली ना इतने में माया तो उस समय तो सबके सब भाग गए वहां से। रंभा उर्वशी मेनका है, अब इनके अंदर में अभिमान आ गया। हाँ, इनके अंदर में अभिमान आ गया, मैंने माया को मैंने जीत लिया है। लेकिन उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पिताजी जो काम आप नहीं कर पाए, जो काम शंकर जी नहीं कर पाए, वो काम मैंने कर दिया। बोले क्या किया? बोले मैंने माया को जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले राम 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 राम, तेरे को माया की पराक्रम तेरे को पता नहीं बेटा, कभी ऐसे मत कर। उसने सोचा मैंने इतना बड़ा काम किया और ब्रह्मा जी मेरे को अपना भावा नहीं थे। फिर शंकर जी के पास में गए, शंकर भी यही बात बता, बोले मेरे को कोई भावा नहीं दे रही, इतना बड़ा काम किया। फिर गए श्री वैकुंठ में श्री नारायण के पास में, बोले प्रभु जी जो काम कोई नहीं कर पाए ना, वो काम मैंने कर दिया। बोले क्या किया? बोले मैंने माया को जीत लिया। बोले बेटा मैं एक माया जी, तू तो माया को जीते हो, खूब बहावा दिए, काश नारद का छाती तो इतना बड़ा हो गया। मैं सम्मान अगर कोई देने वाला ना, कि वो भगवान ही है, हैं भगवान ही है, भगवान खूब बहावा दिए, हैं तुम नहीं करोगे तो कौन माया को जीतेगा? अभी तो श्री नारद जी उतर रहे थे, भगवान ने देखा इसका फोड़ा हो गया है, अब इसको आकर्षण करनी चाहिए। जब वो उतर रहे थे एकदम बीच में उन्होंने एक सुंदर स्वयंवर सभा की रचना की। माँ लक्ष्मी स्वयं उसमें फूल की माला लेकर घूम रही है, जो जिसको पसंद होगा उसके गले में माला डालेगी। इतने में वो जो लड़की की जो पिता बनी हुई थी नारद जी को बोले बाबा थोड़ी सी आओ, बेटी को थोड़ी सी आशीर्वाद दे दो। नारद जी को ला करके बोले देखो तो मेरे बेटी का थोड़ा हाथ देख दो। तो नारद जी उसका हाथ को जब देखा ना, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी। बोले बाबा रे ये जो लड़की का जो पति होगा ना, ये विश्व ब्रह्मांड का ये मालिक बनने वाले हो, इसकी जो भाग्य रेखा सौभाग्य रेखा बड़ा उज्ज्वल है। आज जिस घर में ये रहेगी वो घर में तो लक्ष्मी लक्ष्मी साक्षात भरपूर रहेगी। उसका पति का जस विश्व ब्रह्मांड में बनेगा, उसका जस सारा दुनिया में जाएगा। नारद जी ने कहा भैया सबके सब जो दौड़े जोड़े लक्ष्मी नारायण
ब्रह्मा ब्रह्माणी, शंकर जी पार्वती, ये सब के सब जुड़े जुड़े हैं। भैया मैं अकेला क्यों रहूं, मैं भी तो दो बन जाऊं। अभी सोच रहे थे माया को मैंने जीत लिया, अभी उन्होंने बल्कि मैं क्यों शादी नहीं कर लूं। अभी उनकी जीभ में तो पानी आने लग गया। अभी वो सोच रहा है कि जो लड़की किसकी गला में माला डालेगी, जो सबसे सुंदर होगा, लेकिन मेरे शरीर में तो केवल हड्डी हड्डी रह गया, अभी तो ये पसंद करेगी नहीं। बोले जगत में सबसे जो सुंदर शरीर भगवान नारायण का, अभी अभी मैं नारायण के पास से आ रहा और प्रभु मेरे ऊपर में बड़े प्रसन्न है। अगर थोड़ी समय के लिए प्रभु का आकर मैं रूप लेकर के आ जाऊं ना, मेरे गले में यही माला डाल देगा, वो सीधा मरते जगत में क्या आएगा, सीधा वैकुंठ में चला गया। बोले प्रभु अभी तक आपसे मैंने कोई चीज की प्रार्थना नहीं की, केवल एक चीज थोड़ी समय के लिए दे दो। बोले कौन सा चीज? बोले थोड़ी सी आपका रूप दे दो, आपके थोड़ी से रूप थोड़ी समय दे दो। बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना हरि रूप मैंने तुमको दे दिया। बंदर का नाम भी एक होता है हरि, अभी पूरा काला बंदर मुंह बन गया, लेकिन सोच रहा है बड़ा सुंदर बन गया। वो जब अभी आया, वो लड़की जिधर बरमाला लेकर के जा रही थी ना, नारद जी उधर जा रहे थे और सर को बढ़ा रहे थे आगे, मेरे गले में माला डाल दो, लेकिन उसका मुंह तो काला बंदर का मुंह था। वो लड़की नाक सिकुड़ती हुई दूसरे तरफ में चली जाती है। नारद जी सोच रहे थे उसकी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ रही। फिर नारद जी घूम कर उधर आए, फिर वो नाक सिकुड़ती पूरा उनको घुमा दिया पूरा वहां पर। इतने में वैकुंठ से नारायण जब आए, वो तो लक्ष्मी थी, उनकी गले में माला डाली, भगवान उसको गरुड़ के ऊपर बैठा है। जब जा रहे थे, इतने में देवताओं ने बोले नारद जी देखो तो सही तुम्हारी चेहरा कैसा, एक शीशा पकड़वा दिया, देखा काला बंदर जैसे मुंह। तब भगवान को उन्होंने अभिशाप दिए, बोले ये हरि है, ये हरि सबको साथ में ऐसे करता है, इसलिए मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, जिस लड़की को पीछे मेरे को तुमने दर 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 भटकाया ना, इसी को पीछे तुम भी एक दिन दर दर भटकोगे। वो कौन थी? हाँ आप सब जानते, सब पंडित सब बैठे, इसलिए सीता, इसलिए सब ये रामलीला के मूल कौन है? श्री नारद जी। कृष्ण लीला का भी मूल श्री नारद जी, भागवत का मूल भी श्री नारद जी, क्योंकि उन्होंने ही शंकर पार्वत में झगड़ा लगाने की कोशिश की, फिर उन्होंने अमरनाथ में अमर कर, इसलिए इनके भगवान की जो तीसरा अवतार है ना, यदि श्री नारद जी और विशेष करके इनकी चार ही चेले हुए हैं, दो बालक हुए दो वृद्ध हुए। दो बालक कौन हुए? एक ध्रुव और एक प्रह्लाद, जिन्होंने 5 साल उम्र में भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति की, और दो वृद्ध जो चले हुए एक वाल्मीकि और एक श्री व्यास थे। वाल्मीकि ने क्या लिखे? बोले रामायण लिखे, और व्यास कब क्या लिखे? ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे। उनकी ये दो चेले ऐसे तिब्बत दो ग्रंथ लिखे जो हमारे लिए अद्भुत अनमोल ग्रंथ है। और श्री नारद जी की एक ग्रंथ आप लोग पढ़ना, वो ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति सूत्र, वो ग्रंथों का आप लोग ढूंढना। ग्रंथ का नाम क्या है? नारद भक्ति सूत्र। इसलिए ये नारद जी ने ये नारद भक्ति सूत्र को लिखे, उसमें भक्ति की महिमा उन्होंने बताई, अद्भुत भक्ति की महिमा। यही भक्ति ही जीव को भगवान तक पहुंचाती है, भक्ति ही भगवत प्राप्ति का कारण बनाता है, भक्ति ही जीव को मुक्त कराने वाले, भक्ति की अद्भुत उन्होंने महिमा गाई ये नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ में। इसलिए कहती है भगवान की ये हो गए तीसरा अवतार। जो चौथा अवतार है श्री नर नारायण ऋषि रूप में, ये बद्री का आश्रम में भजन कर गए। बोले भैया भजन तो हम ही करते हैं, भगवान क्यों भक्ति भजन करेंगे? भगवान भक्ति क्यों क्यों भजन करेंगे? भजन तो हम करते हैं ना, लेकिन भगवान क्यों भजन कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कलिजुग का जो जीव है वो कलिजुग में भजन कर ही नहीं सकता, वो तपस्या नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा देखो ये जीव के लिए मैं बद्रीनाथ में मैं तपस्या करता हूँ, जो व्यक्ति एक बार श्री बद्रीनाथ में आए और मुझे एक बार दर्शन कर ले, दर्शन करते ही मैं जो भजन कर रहा हूँ
ये भजन का जो चौथा भाग उसको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए लोग बद्रीनाथ जाते हैं और दर्शन करते हैं। बोले श्री बद्री विशाल की। कौन कौन बद्रीनाथ गए? हाँ करके सबके सब गए बद्रीनाथ, अच्छी बात। इसलिए अरे देखो, एक बद्रीनाथ वहाँ है लेकिन और एक बद्रीनाथ ब्रज में। वो जो बद्रीनाथ है ना वो मूल नहीं है, लेकिन जो मूल जो बद्रीनाथ है कभी से वृंदावन काम में बन गए। ये कृष्ण जन्म होने से पहले, कभी इस कथा सुनी? बोले कृष्ण जन्म होने से पहले श्री नंद बाबा ने मनोती रखा था, हे बद्रीनाथ अगर घर में मेरा एक बेटा का जन्म हो जाएगा ना मैं ये चारधाम करने जाऊँगा। अभी घर में कृष्ण जन्म हो गए, अभी नंद बाबा ब्रजवासी तैयारी हुए, घर में तो लाला हो गया, चलो अभी चारधाम करके आते हैं। जब चारधाम करने जा रहे थे अभी कृष्ण ने देखा, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले हैं, कितने भोले वाले हैं। बोले ये भैया ये चारधाम है कौन, ये गंगा कौन है? ना श्री बामन देव का चरणामृत श्री गंगा। बोले बामन देव कौन है? कृष्ण का अंश के अंश के अंश के अंश की बामन है, ये भगवान के चरणामृत है। कभी ये जमुना कौन है? जमुनात्री। कभी काली कृष्ण का जब ये वृंदावन में हुई पिसा का सखी, जब ये मथुरा में, ये भगवान की पटरानी भगवान की सखी है। कभी ये मेरी सखी है। कभी ये केदारनाथ कौन है? शंकर जी भोले बाबा कौन है? बोले ये मेरे सेवक है, शंकर जी गोपीश्वर बनकर बैठे, बनकट महादेव, चकलेश्वर में चकलेश्वर, कामेवर में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर है। कभी ये मेरा चारधाम में चार तरफ में सब भक्ति मुझे बैठे हुए। बोले ये बद्रीनाथ कौन है? बोले नारायण है। बोले नारायण कौन है? बोले मेरे अंश के अंश है नारायण है। इसलिए लेकिन मैं स्वयं जिनकी जूती पर सर पर धारण करता हूँ, जो मेरे को कान मोड़ देते हैं, मेरे को जो शासन करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म और सनातन ये कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं भैया ये ब्रजवासियों ने ऐसे क्या सौभाग्य की है जो भगवान इनका सखा सखी इनकी मित्र बन गए। इसलिए नंद कृष्ण सोच रहे कहते कितने भोले भाले, ये कह रहे हम जब सब चार धाम जाने के लिए जाए। कृष्ण ने कहा पिताजी ये चार धाम तो ब्रज में ही है। बोले कहाँ पर? बोले चलो ना मैं आपको चार धाम करवा करके लाऊंगा। तो कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर उन्होंने चार धाम करवाए। हम लोग गए हो कौन कौन ब्रज, कौन कौन ब्रज में की चार धाम के लिए हो? ब्रज में हम गए हो ना, कामेवन में देखे ना, कामेवन में वहां पर चार धाम। कभी इसको आदि बद्री और आदि केदार कहते हैं, वो मूल नहीं है। वो जो केदारनाथ बद्रीनाथ मूल नहीं है, मूल है ये ब्रज में ही, ये ब्रज में मूल है। इसलिए अगर कोई ब्रजमंडल परिक्रमा कर लिया ना, इसलिए कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, और केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, और गोपिनी के द्वार पर बसत है हरिद्वार। मतलब बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। इसलिए स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम श्री श्री वृंदावनवासी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। ऐसे ही भगवान की यहाँ 26 अवतार की यहाँ पर बताए, मत्स्य कुर्म नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि। जब उन्हें 26 अवतार का नाम ले रहे थे ना, बोले देखो कृष्ण भी एक अवतार है। इतना बोल करके श्री सुतो गोस्वामी ने बोले भैया मैं तो गड़बड़ी कर दिया। बोले क्या गड़बड़ी कर दिया? मैंने बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं। कृष्ण क्या नहीं है? कृष्ण कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर ये कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब जिनसे ये सारे अवतार आते हैं। इसलिए कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण है।
हैं। इसलिए हमारे श्री कवि जयदेव कहते हैं, बोले केशव धृत मत्स्य शरीर, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत कल्कि शरीर, जय जगदीश हरि। बोले ये जितने सारे अवतार किसने धारण किया है? बोले केशव ने धारण किया। कृष्ण का एक नाम केशव। बोले केशव का मतलब क्या? बोले का मतलब होता है ब्रह्मा, इस मतलब होता है शंकर, इनका भी जो प्रभु कौन है? श्री केशव कृष्ण। और केशव मतलब वृंदावन में एक है श्रृंगार भट्ट। कोई गए हो श्रृंगार भट्ट वृंदावन में? कौन कौन श्रृंगार भट्ट दर्शन किया? इतना ही, और कोई नहीं गए श्रृंगार भट्ट में? जरूर जाना, ये पास में श्रृंगार भट्ट है। जब रास से कृष्ण अंतर ध्यान हुए, राधा रानी को मान हो गई, कृष्ण राधा रानी को जहाँ पर अपना हाथों से श्रृंगार किए, उनको केशम बयाति इति केशव, उनका नाम केशव क्यों पड़ा? जो केश है, जो बाल है, कंघी लेकर के बड़े सुंदर से कृष्ण उसको सवारे, और सुंदर फूलों की माला से राधा रानी की चोटी को उन्होंने बड़ी सुंदर श्रृंगार की थी, इसलिए कृष्ण का नाम श्री केशव है। इसलिए ये कृष्ण कौन है? जितने सारे अवतारों का जो अवतारी है ये कृष्ण है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर, श्री सुत गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे आपकी यहाँ पर कोई फंक्शन हो रही है, आप सब व्यक्ति को आपने निमंत्रण दिया, लेकिन आप मोदी को भी निमंत्रण दिया, मोदी को बोले आप भी आना। अभी क्या हुआ, सब लोग आकर के जिस पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे थे, आपका ध्यान नहीं रहा, आया मोदी भी आ गया, और आकर के क्या क्या उसी लाइन में वो भी बैठ करके जो भोजन करने जा रहा था, इतने में आपका नजर पड़, अरे ये मोदी जी आए, ये मोदी जी आए, ये आकर के सभी सब लाइन में जो एक ही लाइन में बैठी ये भी बैठ, बोले भैया इधर इधर आ, फिर आप क्या करोगे उसको लेकर के अलग आसन दो, उसके लिए आप अलग सम्मान करोगे। उसी तरह जब श्री सुत गोस्वामी ने सबका अवतार का नाम तो एक साथ में ले लिया, मत्स्य कुर्म बराह, लेकिन कृष्ण का नाम भी ले लिया, बता रहे हैं तो गड़बड़ कर दिया, सभी को बराबर लाइन में कृष्ण को भी बैठा दिया। फिर उन्होंने कृष्ण के लिए उन्होंने अनेक अलग सोने के सिंहासन लाए, सोने के सिंहासन लाकर कृष्ण को वहां पर अलग बैठाया, और अलग बैठा करके उनके लिए तो अलग श्लोक लिखते, बोले एते चार सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृणयन्ति जुगे जुगे। बोले हे सौनकादि ऋषियों, अभी तक मैंने जिन जिनियों का नाम लिया ना, ये कौन है? बोले कृष्ण का अंश है, अंश कोई कला है, लेकिन जो कृष्ण है ना, कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण कौन है? ये स्वयं भगवान। स्वयं भगवान मतलब है जो किसी की बगैर सहाय लिए हुए जो परिपूर्ण। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते जैसे एक संख्या, आप देखना जो एक संख्या किसी का मदद नहीं लेता है, लेकिन जब दो बोलो ना एक ही मिलकर दो होगा, तीन बोलो दो एक मिलकर तीन होगा, चार बोलो दो मिलकर चार होगा, लेकिन एक बोलो वो किसी का सहाय नहीं लेता है। तो उसी तरह जो कृष्ण है वो किसी के सहाय लिए बगैर, यदि ये सर्वेश्वर ईश्वर है, ये सारे ईश्वर का ईश्वर कौन है? बलि भगवान कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय, जय जय श्री हरि। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी ने, हाँ देखो एक चीज को अच्छे तरह समझो, बढ़िया दिमाग में बैठा हो, कभी कभी ना हम कभी अरे सब देवा देव तो एक ही है, कभी कभी हम बोलते हैं ना अरे सब तो एक ही है, सारे चीज एक, सब एक ही नहीं है, वो सब के सब एक ही नहीं है। देखो एक अच्छी विचार बताया आपका, आप ये चीज को दिमाग में बैठा लो, कहते जो 50 जो गुण है ना, ये जीवों का अंदर में 50-50 गुण है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यही 50 गुण कहते जो देवता लोग होते हैं उनको अंदर में थोड़ी सी ज्यादा है, यही 50 गुण, लेकिन ये 50 गुण से में वो थोड़ी सी ज्यादा गुण उनके अंदर है। कहते जो ब्रह्मा शंकर जी है इनके अंदर में और 5 गुण विशेष है, जो कि जीव में भी नहीं देवता में भी नहीं, केवल ब्रह्मा शंकर जी के अंदर,
और जो पांच गुण हैं जो ब्रह्मा शंकर में भी नहीं, केवल भगवत अवतार के अंदर, जैसे मत्स्य कुर्म वराह कृष्ण इनके अंदर में है। कितना हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन और जो विशेष जो चार गुण है ना, वो किसी को अंदर में नहीं, जीव में भी नहीं, देवता में भी नहीं, ब्रह्मा शंकर में भी नहीं, मत्स्य कुर्म वराह इनकी अंदर में भी नहीं, ये केवल कृष्ण के अंदर में ये विशेष चार गुण है। कितना गुण है, तो कितना हो गया, 64 जो गुण है ना, ये केवल भगवान कृष्ण के अंदर में। इसलिए कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कृष्ण को देखने में तो लगता है लड्डू गोपाल जिस चुपचाप बैठे हुए, लेकिन देखने में छोटे, लेकिन ये बड़े छोटे हैं, ये छोटे नहीं, ये बहुत बड़े बड़े छोटे हैं। इसलिए ब्रह्मा भी जिसको कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विक्रम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये सारे कारणों का जो मूल कारण कौन है, श्री कृष्ण कन्हैया। कृष्णदास प्रभु आप चार गुण के बारे में बता सकते हो? हाँ इधर आ जाए। हाँ हाँ, हमारे एक प्रभु जी एक दिन कथा सुनाए कि नहीं थे, कि नहीं कथा सुना रहे, कौन कौन सुने हो, ये भी बताएंगे। आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, जो कृष्ण को ही अंदर में ये चार गुण है और किसी को अंदर में ये चार गुण नहीं, ये केवल कृष्ण को। इसलिए जिनके लिए कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बताया कृष्ण। एक ऊंचा कीर्तन करता हाल में ताली बजाकर चार देव तो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय Jai 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 Jai
कि भगवान ने इस जगत में लीला करने के लिए जिस रूप का आश्रय लेकर के अवतरित हुए इस जगत में स्वयोग माया वलम अपनी योग माया के प्रभाव से वो रूप कैसा था विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे वो रूप इतना सुंदर था जिसको देख करके स्वयं कृष्ण भी अपने रूप पर मोहित हो जाते थे। और इसका उदाहरण भी आता है, एक बार द्वारका में मणि स्तंभ में कृष्ण ने अपना ही स्वरूप देखा और स्वरूप को देख करके सोचने लगे ये इतना सुंदर कौन है जिसको मैं खुद भी आलिंगन करना चाहता हूं।
कृष्ण अपने स्वरूप को देख करके स्वयं आलिंगन करना चाहते हैं। इतना सुंदर स्वरूप है। एक बार कोई नट की लीला चल रही थी जिसमें नट ने सुंदर नट का वेश बना रखा था और मोर पंख इत्यादि धारण कर रखा था। उसको देख करके कृष्ण इतने मोहित हो गए कि क्या मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होने के जो मुख्य कारण है उसमें एक कारण ये भी है, श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशो वानेव आस्यातु ये नादोत मधुरिमा की दृशो वा मधुर, कि वो मेरी मधुरिमा कैसी है, मैं इतना सुंदर दिखता हूँ तो मुझे इतना सुंदर देख करके मेरी मधुरिमा को देख करके राधा रानी को कौन सा सुख मिलता है। इसको कृष्ण भी नहीं जान पाते क्योंकि अपना सौंदर्य कैसा है ये हम नहीं जान सकते। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति देख करके उसको अनुभव करेगा तब उसको ही वो अनुभूति होगी। तो इसलिए कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव और अंगी अंग कांति को ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। तो कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, परम पदम भूषण भूषणांग। और हम लोग कभी देखा है सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आभूषण धारण करते हैं जिससे कि सुंदर दिखाई दे। लेकिन कृष्ण के लिए कह रहे हैं ऐसा नहीं है उनका। कृष्ण जिन आभूषणों को जिन वस्त्रों को पहन लेते हैं वो आभूषण और वस्त्र उनके पहनने के कारण और अधिक सुंदरता वस्त्रों की और आभूषणों की बढ़ती है, कृष्ण की नहीं बढ़ती। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। परम पदम भूषण भूषणांग यानी उन भूषणों को भी भूषण स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और कृष्ण के जो रूप है उसका तीन श्लोकों में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, पहला श्री ब्रह्मा जी ने, दूसरा द्वेज पत्नियों ने और तीसरा गोपियों ने। गोपियां कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती हैं वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णकारम विप्रद वास कनक कपिचम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणु अदर सुधया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वरहा पीडम कृष्ण के जो सिर है उसके ऊपर क्या है, मोर पंख लगा हुआ। नटवर बरहा पीडम नटवर वेशम और उन्होंने कैसा वेश धारण कर रखा है, नटवर का वेश धारण। वैजयंती माला उनके गले में वैजयंती माला धारण की हुई है। रंध्रान वेणु अदर सुधया अपने जो उनका अदरामृत है उसको वो वेणु के माध्यम से वेणु में प्रवेश करा देते हैं और फिर वही अदरामृत जो है वो वेणु से निकल करके सारे जगत में व्याप्त हो जाता है, वही अदरामृत। और वो क्या करता है, सारे जीवों को आकर्षण कर लेता है। इसलिए कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत कीर्ति उनके जो सखा लोग हैं उनके पीछे पीछे चले आते हैं, कैसे गीत कीर्ति उनके कीर्ति को गान करते हुए। आज कृष्ण ने अगासुर का वध किया, आज कृष्ण ने बकासुर का वध किया। इस प्रकार कृष्ण जो जो नई नई लीलाएं करते हैं उनकी कीर्ति को गान करते हुए कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से जो गोपियों ने वर्णन किया कृष्ण के सौंदर्य का, सुखदेव गोस्वामी जो कि पहले कौन थे, ब्रह्म ज्ञानी थे और निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे, जो कि भगवान की लीला कथाओं को सुनना भी नहीं चाहते थे और जन्म लेने के साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। तो व्यास जी ने सोचा कि ये जो श्रीमद् भागवत है इसको जगत में प्रचार कौन करेगा, क्योंकि यही तो एक योग्य पात्र था। तो ये सोच करके जब वो जंगल में चले गए तो व्यास जी ने एक बहेलियों को ये श्लोक सिखा करके भेजा कि जाओ इस वन में जा करके एक तुम्हें बालक दिखाई देगा 15-16 वर्ष का, उसके सामने ये श्लोक बोल देना। तो जैसे ही उन्होंने ये श्लोक बोला बरहा पीडम नटवर वपु, ये श्लोक सुनने के साथ ही साथ जो सुखदेव गोस्वामी थे जो कि निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे अपने उसको छोड़ करके कृष्ण के सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गए। ऐसा कृष्ण का सौंदर्य। इसी कारण से त्रिभुवन के प्रत्येक जीव कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण जो नाम है उसका अर्थ पता है क्या होता है,
कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण शब्द का होता है आकर्षण, जो कि सारे जगत को अपने रूप माधुरी के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरा है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी जैसा कि अभी हमने बताया, जब भगवान कृष्ण अपनी वेणु बजाते हैं तो उस वेणु के द्वारा चर अचर जगत सभी को आकर्षित कर लेते हैं। और जिन जिन जीवों के जो जो लक्षण होते हैं वो उन लक्षणों के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक वेणु गीत है, उस वेणु गीत में भगवान की वेणु की महिमा को बताते हुए कह रहे हैं कि जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो क्या होता है, धन्य स्म मूर्गतयो के हरण हिताया नंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजार धदुर विष्टम पणयाव लोके। कि जो हिरनिया है, जब कृष्ण वन में वेणु बजाते हैं तो वे हिरनिया आकर के कृष्ण के पास में आकर के खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के उनके सौंदर्य को निहारने लगती है। और जिस प्रकार से कहते हैं हम लोग आरती उतारते हैं, कैसे आरती उतारते हैं हम लोग, ऐसे करके उतार देना आरती, ऐसे करके आरती उतारते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हिरनिया है वो कृष्ण के सौंदर्य को किस प्रकार से दर्शन कर रही, अपने नेत्रों को इस प्रकार से चारों ओर घुमा करके इस प्रकार से दर्शन करती है कृष्ण के सौंदर्य का। इस प्रकार से लगता है मानो कि ये अपने नेत्रों के द्वारा कृष्ण की आरती उतार रही है। और सह कृष्ण सारा, सिर्फ हिरनिया अकेली नहीं आई है, उनके पति भी साथ में आए हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि देखो हमारा कैसा दुर्भाग्य, क्योंकि हम अपने पतियों के साथ में जाकर के कृष्ण की इस प्रकार से सौंदर्य की आरती नहीं उतार सकते, लेकिन हमसे धन्य क्या है, ये हिरनिया है वन की, जो कि कृष्ण की आरती उतार रही है अपने नेत्रों के द्वारा। फिर गायों के लिए बताते हैं, गायें अपना स्वभाव छोड़ करके और उनके बछड़े क्या करते हैं, कह रहे हैं कि जो बछड़े हैं, बछड़े जिस समय कृष्ण ने वेणु बजाई उस समय गायों का स्तनपान कर रहे थे, जैसे ही स्तनपान किया उसी समय उनके कान में वेणु की ध्वनि गई, जैसे ही वेणु की ध्वनि गई तो उनका सारा का सारा ध्यान कहाँ चला गया, वो वेणु की ध्वनि में चला गया। अब उनके मुख में जो दूध था, जो उन्होंने पान कर रहे थे, जो दूध पान कर रहे थे, वो दूध अब वो न तो अंदर निकल रहा है न बाहर निकल रहा है, तो वो धीरे 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 क्या होता है, वो मुख से ऐसे टपक रहा है। इस प्रकार से गाय के बछड़ों की स्थिति हो जाती है। और बताते हैं नदियों की क्या स्थिति हो जाती है, जब कृष्ण अपनी वेणु बजाते हैं तो जो यमुना जी हैं, यमुना जी इस प्रकार से बहती चली आ रही हैं, जैसे ही कृष्ण की वेणु उनके कान में गई, यमुना जी का प्रवाह अपने आप रुक गया। अब जब प्रवाह तो रुक गया, अब पीछे से पानी आ रहा है और आगे तो आगे पानी को रोक दिया, तो क्या होगा, वहां पर वो भंवर पड़ जाता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से कृष्ण की वेणु को सुनकर के यमुना जी में वो भंवर पड़ गए। और जब भंवर पड़ गए उसके बाद क्या हुआ, यमुना जी में बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए, तो वो भंवर पड़ने के कारण वो जो कमल के फूल हैं वो निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा लगता है मानो यमुना जी अपने हाथों के माध्यम से इन पुष्पों को कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रही है कि ये वेणु की ध्वनि सुन करके ये आपके लिए, जैसे हम कोई अच्छा कुछ करता है काम तो हम लोग क्या देते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं। तो इस प्रकार से यमुना महारानी क्या कर रही है, वो कमल के फूलों की गिफ्ट कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रही है। अब चौथा स्वभाव देखो, चर अचर जगत की क्या स्थिति होती है वेणु सुन करके, जो पच्ची लोग होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है, पच्ची क्या करते हैं, देखा कभी, सारे दिन चाओ 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 करते ही रहे। लेकिन जैसे ही कृष्ण की वेणु की ध्वनि उन पक्षियों के कान में जाती है तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो वो स्वभाव है उसको पूरा छोड़ देते हैं और चुपचाप जो डाल है पेड़ों की डाल उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और बैठ करके उनके लिए उदाहरण दिया, जैसे मुनि ध्यान लगा करके, मुनि ध्यान कैसे लगाते हैं, उनकी जो अवस्था होती है एकदम शांत योग की अवस्था में बैठ जाते हैं और उनकी आंखें जो होती हैं वो थोड़ी सी खुली रहती हैं और थोड़ी सी बंद रहती है, ऐसे इस प्रकार से है ना, थोड़ी सी ध्यान में योगियों की थोड़ा सा आंख खुली रहती है
तो कह रहे जो पक्षी है उनकी थोड़ी सी आंखें खुली हुई हैं, ऐसा लगता है ये मानो ये पक्षी नहीं है, ये वृंदावन के मुनि हैं, ऋषि मुनियों की तरह वो ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। ये पक्षियों की स्थिति हो जाती है। स्वर्ग की स्त्रियां जो कि अपने अपने पतियों के साथ देवताओं के साथ विमान में बैठ करके जा रही थी, उसी समय कृष्ण ने वेणु बजाई और वेणु की ध्वनि सुन करके वो विमान में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ती। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वेणु गीत में भगवान की वेणु माधुरी की महिमा को बताया गया है। अन्य किसी अवतार में ऐसा देखा नारायण बंसी बजाते हैं, राम बंसी बजाते हैं, ये एकमात्र कृष्ण के अंदर ही है। और रास लीला के समय तो जो भगवान ने वेणु बजाई तो 100 करोड़ गोपियां अपने पति बच्चे लोक मर्यादा लाज इत्यादि सबको छोड़ करके वो सब की सब रास लीला में आ गई। गोपेश्वर महादेव जो शिव जी उनकी वेणु की ध्वनि सुन करके आ गए और रास में प्रवेश करने के लिए तड़पने लगे। तब भगवान कृष्ण की कृपा से वो अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाए, परंतु उनको बाहर चौकीदार के रूप में गोपेश्वर महादेव बना दिया। इस प्रकार से भगवान की वेणु जो त्रिभुवन में व्याप्त हो जाती है और त्रिभुवन के सारे जीव उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा होता है भगवान की लीला माधुरी। जो लीला माधुरी के अभी वैसे हम बताया, भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इतनी मधुर मधुर लीलाएं हैं कि जो कि आत्मा राम मुनियों के हृदय को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसा कि अभी हमने बताया सुखदेव गोस्वामी, उनके लिए व्यास जी ने पहले श्लोक बोला कौन सा, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बराह पीतम। जब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना तो उन्होंने सोचा अच्छा इतना सुंदर भी कोई है, लेकिन खाली सुंदरता से क्या होगा। अगर कोई मान लो स्त्री बहुत सुंदर लेकिन गुणवान नहीं है बिल्कुल, तो कोई उसे शादी करना चाहेगा, कटु बोलती है, उसको खाना बनाना नहीं आता, चरित्र भी ठीक नहीं है, तो कोई से विवाह करना चाहेगा कितनी भी सुंदरी क्यों ना हो। यानी रूप के साथ साथ क्या होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने उसे कहा कि तुम जिसके इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हो क्या उसके कुछ गुण भी हैं। तो वो पहलिया आकर के व्यास जी से कहने लगा कि वो बालक कैसे बोल रहा है कि क्या उसके कुछ गुण भी हैं। तो व्यास जी ने कहा बस अब काम हो गया, यानी इसका चित्त भगवान की तरफ आकर्षित हो चुका। तो उन्होंने एक और श्लोक बोला जिसमें भगवान के गुणों की महिमा का वर्णन है। उन्होंने बोला अहो बकीयम स्तन कालभूतम जिघांसया अपायत अपि असाध्वी लेबे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजे। अहो बकी, बकी कहते हैं बकासुर की बहन पूतना को। वो जो पूतना थी वो अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई। किसके लिए आई, कृष्ण को मारने के लिए। और उसने अपना स्तनपान भी कराया कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि उन्होंने बदले में उसको क्या प्रदान किया, क्या प्रदान किया बदले में, अपने धाम में उसको गति प्रदान कर दी। कम्बा दयालुम शरणम रजेमान, कभी ऐसा दयालु कोई दूसरा देखा क्या। अगर कोई व्यक्ति है आपको मारने के लिए आयकन लेकर के, आप क्या करोगे, क्या करोगे, उसके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे, कोई करेगा, कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके नाम अपनी प्रॉपर्टी करोगे, नहीं करेगा। हम कोई नहीं, अधिक से अधिक कोई करेगा साधु स्वभाव वाला तो उसको सहन कर लेगा बस। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, जो व्यक्ति उसको मारने आया उसको नाम के अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। भगवान की प्रॉपर्टी क्या है, भगवान का धाम, वो धाम ही भगवान की प्रॉपर्टी है। और उस धाम की कितनी महिमा है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लच्छावृतेषु सुरभि रवि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमान। वहां उस धाम की ऐसी महिमा है, यहाँ हमारे घर जो है ईंट पत्थर के बने हुए हैं, वहां के प्रत्येक घर चिंतामणियों के बने हुए हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे ऐसे हैं कभी सूख गए मुरझा गए, लेकिन वहां पर प्रत्येक पेड़ ही कल्प वृक्ष, उससे जो मांगो वो देगा। यहाँ की गायें
एक किलो दो किलो दूध देती है। वहां की गाय सभी की सभी सुरभि गाय है, उनसे जो मांगो वो प्रदान करेंगे। वहां हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि नहीं भगवान की? और पूतना को बदले में क्या दे दिया? वो प्रॉपर्टी दे दी। भगवान इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। जो दामबंधन लीला आप लोगों ने सुनी होगी कि किस प्रकार से मटकी तोड़ करके भगवान भाग गए और मैया यशोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है हाथ में डंडा लेकर, और देखा कृष्ण की आंखों से डर के मारे आंसू निकल रहे हैं। जिनके लिए भगवान के लिए भागवत में कहा गया है, मद भयाद वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद दहति अग्नि वर्षति इंद्रो कालश्चरित मद भयाद। भगवान के भय से ये हवा चलती है, भगवान के भय से सूर्य उगता है, भगवान के भय से देवता इत्यादि अपना अपना कर्म करते हैं, वर्षा देते हैं इंद्र, और यहाँ तक कि जो काल है वो भी भगवान के भय से भयभीत रहता है। वो कृष्ण मैया यशोदा की छड़ी को देख करके और डर के मारे आंखों में आंसू लेते हुए दौड़ रहे कि कहीं मैया मुझे एक छड़ी ना दे दे। इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं। जो भगवान गिरि गोवर्धन को सात दिन तक, सात कोस के यानी 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को अपने एक हाथ की सबसे ये कनिष्ठ अंगुली के एक नग के ऊपर सात दिन तक धारण करके रखे हुए, वो भगवान को नंद बाबा कहते हैं, बेटा मेरी जरा जूती ले आ। और वो सिर के ऊपर जूता रखते हैं और जूता रखते थोड़ा एक कदम चलते गिर पड़ते, वो जूते का भार कृष्ण से सहन नहीं होता। ये भगवान भक्तों के वशीभूत होकर के इस प्रकार की इतनी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं जो कि अन्य किसी अवतार में देखी नहीं जाती। और चौथा प्रेम माधुरी। जो भगवान का जो प्रेम है उस प्रकार का प्रेम भी अन्य किसी अवतार में देखा नहीं जाता। जहां पर कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के चरणों में गिर पड़ते हैं और चरणों में गिर पड़ के कहते हैं कि तुम अपने चरणों को मेरे सिर पर धारण करो। जो कि सेवा कुंज की लीला आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जब श्रीमती राधा रानी मान कर लेती है तो कृष्ण राधा रानी के प्रेम के इतने वशीभूत हैं, कृष्ण उनकी दासियों से विनती करते कि मुझे एक बार राधा जी के दर्शन करवा दो, लेकिन राधा जी ने मान कर रखा है, कहते ही नहीं, आज उस काले को बिल्कुल मैं अपना मुख नहीं देखना चाहती, उसका उसको दूर कर दो मेरी नजरों से, यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं, काला जो बालों का रंग है काला है इसको सफेद कर दो, जितनी भी काली वस्तुएं मेरी आंखों के सामने से हटा दो। लेकिन कृष्ण उनके दर्शन के लिए लालायित हैं और राधा रानी के चरणों में विनती करते हुए कह रहे हैं, स्मरल गरल खंडनम मम शिरस मंडनम देह पद पल्लव उदारो। हे राधे, जो गरल माने विष, अपना जो मान रूपी विष है इसको त्याग कर दो, क्योंकि इससे मैं निरंतर जल रहा हूं, तुम्हारे मान रूपी विष से मैं निरंतर जल रहा हूं, इसलिए देह पद पल्लव उदारो, अपने जो चरण है उनको मेरे सिर पर धारण करो और अपने इस मान को त्याग कर दो। ये क्या है? कभी भगवान राम सीता जी से इस प्रकार से कह सकते हैं, हे सीते तुम अपने चरणों को मेरे ऊपर धारण करो? कभी स्वप्न में भी नहीं। यहाँ तक कि जो भगवान की पटरानियां हैं रुक्मिणी इत्यादि, उनसे भी कृष्ण थोड़ा हास परिहास करते हैं कि तुमने मुझसे क्यों शादी कर ली? अरे अच्छा होता शिशुपाल से शादी करती, मैं तो ग्वाला हूँ। वो शिशुपाल जरासंध का पुत्र, इतना बड़ा सम्राट जरासंध, ये सुनते ही रुक्मिणी देवी मूर्छित हो गई। लेकिन गोपियों के प्रेम की ऐसी महिमा है, जहां पर कृष्ण अपने गोपियों के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, तुम अपने साधु स्वभाव से मुझे स्वयं अपने इस ऋण से मुक्त करो। तो इस प्रकार की ये जो चार प्रकार की माधुरी है, ये भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी अवतार में देखी नहीं जाती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुवेश विकास बस कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय।
देखो कल है भागवत कथा की चौथा दिन, कल है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। जब मैया जसोदा गर्भधारण की, ब्रज की जितने गोपियां थी वो 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा बना करके रखे। बोले नंद के जब लाला होएगा तब हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे, और बड़े सुंदर सुंदरी अलंकार गहना बना कर रखे। और जितने गोप लोग थे बड़े सुंदर बगलवती धोती और पगड़ी बना करके रखे। बोले हम इसको पहन करके हम बधाई देने के लिए जाएंगे। इसलिए कल सबने सब गोपियों की भाव से 84 गज के लहंगा पहन कर जाएंगे। अरे कौन सा रंग के, सबके सब पीला रंग के, कौन सा रंग के? हाँ, शादी का समय में जितने सब पेटारी में बंद कर रखा ना वो सब निकालना, ठीक है? सब बढ़िया करके सब पहन करके आना। और कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाँ कल बड़े धूमधाम से कल हम लोग नंद भव से बनाएंगे, प्रभु जी के भजन गाएंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरे दरबार
Thank you.
ये जन्म से ही परम ब्रह्मज्ञानी थे। कद परिनिष्ठित नरगुण उत्तम श्लोक लीलया, जो संपूर्ण निर्गुण ब्रह्म में जो डूबे हुए थे, लेकिन इतने बड़े साधु होते हुए भी वो एक गृहस्थ के घर में कितना समय टिकते थे, एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगे उससे ज्यादा समय नहीं टिकते थे। लेकिन इन्होंने 16 साल तक मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब एक बार मुंह खोले ना, उन्होंने 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किया। कंटिन्यू जैसे हम यहाँ 2-3 घंटा बैठते हैं, उस समय कथा ऐसे नहीं हुई, वो एकदम 7 दिन तक बिना खाए पिए बैठ करके वो पूरा कथाई 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 सुनाते रहे। पहले तो जब कथा होती थी ना, हम जब पहले वृंदावन में आए, देखा सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा कोई कीर्तन नहीं, केवल कथाई कथाई, कोई कीर्तन का नाम नहीं, लेकिन लोग बैठ करके 8-8 घंटा कथा सुनते थे। अभी तो 4 घंटा भी 3 घंटा उसमें भी कीर्तन है, कभी किसको नींद आ जाती है, फिर इसी में भी कोई आधे कथा में आए, कोई लास्ट में आए, कोई है। इसलिए यहाँ पर श्री स्वर्णकार ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, इन्होंने 7-7 दिन तक कथा सुनाए कैसे और परीक्षित महाराज सुने कैसे। फिर श्री व्यास देव ने ये भागवत ग्रंथों को उन्होंने क्यों रचना की, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा आप कृपा करके सारे प्रश्न को आप उत्तर दो। जब उन्होंने प्रश्न की तब उन्होंने इसकी कारण बताए, बोले द्वापरे ये समन प्राप्त तृतीय युग पर जाए, व्यास पराशर के सभ्याम कलया हरि। बोले एक समय एक उपरचर वसु ऊपर में उड़ते हुए जा रहा था, इतने में उनके ब्रिज स्खलित होते ही एक मछली, ये पूर्व जन्म में कोई अवसर थी किसी ऋषि की अभिशाप से ये मछली बनी हुई थी, उसको रेत को पान करते उसको गर्भ में बड़ा सुंदर ये सत्यवती जन्म हुई थी। जब केवट ने वो मछली को पकड़कर पेट को काटे, बड़ा सुंदर एक लड़की निकली, इसलिए पहले उसको शरीर से तो मछली की बदबू आती थी, लेकिन ऋषि की वरदान से फिर वो होगी चोजनगंधा। चोजनगंधा मतलब उसको शरीर से कमल खोल कर खुशबू निकलती थी, बोले कितने दूर तक जाती थी, बोले एक योजन तक। कहते एक समय श्री पराशर ऋषि ये जमुना नदी पार करते हुए मथुरा में जो कृष्ण गंगा घाट है, हैं आप लोग गए होंगे मथुरा विश्राम घाट के पास में, वो ऋषि जमुना पार करते हुए आए थे। जब वापस जा रहे थे हो गया शाम, अब केवट लोगों को जमुना पार कराते थक गया था, इतने में ऋषि आए, बोले मेरे को यमुना नदी पार करा दो। केवट ने अपना बेटी को बोले जाओ संतों को पार करा दो, लेकिन पराशर ऋषि सत्यवती को देख कर समझ गए ये कोई साधारण बेटी नहीं। इतने में टापू में लगते ही शाम हो गया, कोहरा कोहरा हो गया, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखे, देखते ही सत्यवती उसी समय गर्भ धारण की और उसी समय में ही उन्होंने श्री व्यास देव का जन्म दी, इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण मतलब देखने में काले रंग के श्याम रंग दे, द्वैपायन मतलब वो दीप से प्रकट हुए, और वेदव्यास मतलब जिन्होंने वेद को उन्होंने विभाजन किया है, प्रकाशित किया है। पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने 4 वेद में प्रकाशित किया, उसके बाद में उन्होंने उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र, फिर 17 पुराण, फिर स्त्री सूत्रों का वेद में अधिकार की पंचम वेद श्री कहते ये महाभारत को रचना की। कहते पहले ये शास्त्र नहीं होता था, क्योंकि पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे, इतने इंटेलिजेंट होते थे, उनको ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं, गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी रटाते पूरा के पूरा उनको सब याद करा देते थे। लेकिन अभी हर चीज हाइब्रिड से बन रहा है, कोई चीज शुद्ध नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लोगों का जो स्मरण शक्ति है ना, वो धीरे 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 स्मरण शक्ति धीरे धीरे ह्रास होती जा रही है। इसलिए वेदव्यास ने ये सब चीज को अपना दिव्य दृष्टि से देख करके उन्होंने ये सारे ग्रंथ रचना की है। अभी भी बड़े बड़े इंटेलिजेंट है जो बहुत याद करते, देखो यहाँ पर एक बाबा बैठे हरे कृष्ण, देखो पीछे एक बाबा बैठे, वो जो माला जप कर रहे हैं ना, वो पीछे एक बाबा बैठे, और पीछे जो बैठा है ना, उन्होंने जो गोपी गीत था ना, उन्होंने एक दिन में पूरा गोपी गीत को रख लिया,
और जितना गोपी की दुआ में बता था शाम को, हाँ शाम को रात तक बैठे तो पूरा उन्होंने सुंदर हो गया गौरराज हो, इसने पूरा के पूरा उन्होंने पूरा गोपी गीत रट लिया। इसलिए इसलिए उन्होंने ये सारे ग्रंथ को रचना करते हुए भी उनको शांति नहीं मिली। एक दिन श्री नारद जी भगवत इच्छा से आए, बोले व्यास देव लगता है बड़े दुखी हो, बोले गुरु जी आप सही बता रहे हो, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को मैंने रचना की, लेकिन मेरे को लगता है इसमें कुछ कमी है, इसलिए मेरे को मन को शांति नहीं मिल रहा है। गुरु जी आप ही कृपा करके बताओ, क्योंकि वो गुरु है। गुरु मतलब होता है गुकार अंधकार रुकार निरतको, जो हमारे हृदय में भी अज्ञान को दूर करके हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को जो प्रकाश कर दे। इसलिए श्री नारद जी ने कहा देखो तुमने जो ग्रंथ रचना की ना, भविष्य में इसको लेकर लोग बड़ी लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि जब तुमने शिव पुराण वर्णना की, बोले सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सब कुछ है, शिव ही सब कुछ है। जब तुमने देवी पुराण का बताया, बोले मैया देवी तो सब कुछ दुनिया को सृष्टि करने वाले हुई, और तुमने जहाँ ब्रह्मा जी की महिमा गाई, बोले ब्रह्मा तो सृष्टि करने वाले। यदि ये ग्रंथ को पूरा का पूरा पढ़ लेना फिर तो खिचड़ी बन जाएगा, फिर तो समझ नहीं पाएगा मुझको क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। भविष्य में इसको लेकर बड़े लड़ाई झगड़ा हुई, जो जिसको पूजा करेगा बोले वही सब कुछ है। लेकिन बेटा जथा धर्म दयाश्चात था मुनि बर ज्ञान कृतित न तथा वासुदेव स महिमा जन बनते। जब तक जीव, जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाश, जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए इसका जो परम कर्तव्य है कद सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रत सजे, भगवान को प्रेम करना ही यही जीव का परम धर्म है। लेकिन ये बात को तुमने स्पष्ट रूप में नहीं बताया है, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है। अभी तुम स्पष्ट रूप में बताओ, जीव को भगवान की भक्ति करना ही यही परम धर्म है। इसलिए तुमने धर्म अर्थ काम इसको तो बड़ी बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, लेकिन भक्ति को बाहर में नहीं बताए। और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले तुमने कृष्ण लीला वर्णना की कि नहीं, कृष्ण भगवान होते हुए भी सखाओं का कहीं झूठन खाते, भगवान होते हुए भी मैया कैसे उखल पकाते, भगवान होते हुए भी गोपी के चरण में प्रेम की भिक्षा मांगते, वर्णना की है? बोले नहीं। बोले तेरे को शांति कहाँ से मिले? अगर तुम शांति बना चाहते हो ना, ये कृष्ण लीला को अभी जैसे वर्णना कर रहे थे, कैसे वो परम ब्रह्म परात पर तत्व होते हुए भी पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी सनातन, लेकिन भक्तों का प्रेम है वशीभूत कैसे हो गए, ये चीज को स्पष्ट रूप में वर्णना करो फिर तो तुमको शांति मिलेगी। बोले देखो ये जो संत लोग है ना, ये परमहंस है, हैं परमहंस ये लोग है, हैं इसलिए भले ही जिसमें टूटी फूटी शब्द हो, अगर प्रभु की कथा हो ना उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिसमें बड़े सुंदर सुंदर अलंकार, लेकिन कोई ठाकुर जी की कोई कथा ही नहीं, ठाकुर जी को कोई महिमा नहीं, भैया उनको अच्छा नहीं लगता है, हैं ये सब के सब परमहंस, ये मानस सरोवर में कमल का मधुपान करने वाले ये सब के सब ये संत है। अभी तुम ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो। तब श्री व्यास देव जी बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषंग पूर्णं माया चतत अपाश्रयम्। जो उन्होंने भक्ति योग समाधि को तरह समाधिस्त हुए, बल अपस्यम पुरुषम पूर्णम, वो पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण को देखा, कैसे श्रीमती राधा रानी वाम अंग में खड़ी साइड में, और ललिता विशाखा को साथ में कैसे प्रभु लीला कर रहे हैं, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं पूरा के पूरा उन्होंने गोलोक वृंदावन उन्होंने दर्शन किया। फिर उन्होंने दर्शन करते हुए फिर क्या देखा, जीव कैसे भगवान को भूल करके ये माया संसार में कैसे दुख कष्ट कैसे भोग कर रहे, माया की जितने पिटाई कर रहा है माया वो उतना चिपक तो हुए जा रहा है, उससे अलग नहीं अनासक्त नहीं, बल्कि उसमें अब देखना संसार में हम भी सबका सेवा करते हैं, पत्नी की गाली सुनते हैं, परिवार की गाली सबको सुनते हैं, तब भी जीव को संसार से अनासक्त नहीं हो रहा है, तब भी दिन प्रतिदिन माया में कैसे दलदल में फंसते जा रहे हैं। बोले भैया इससे जीव का कल्याण नहीं होगा, जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। फिर उन्होंने
ये भागवत का समाधि को द्वारा देखा, इसलिए ये व्यास तक का ग्रंथ नहीं है, यदि ये उनकी समाधि ग्रंथ है। ये भागवत नित्य है, ये भगवत इच्छा से जगत में प्रकट होता है, फिर भगवत इच्छा से फिर भागवत ग्रंथ अपना धाम में चले जाते, फिर जब जरूरत होता है फिर इसी जगत में ग्रंथ रूप में भगवान फिर इसी जगत संसार में आते हैं। बोले भैया ग्रंथ तो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन इसको पढ़ाएंगे किसको? लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी बने। अभी जो कथा सुना रहे थे हमारे प्रभु जी, फिर उन्हें चार चेलों को उन्हें चार श्लोक सुना दिया, कृष्ण कितने सुंदर है, रहते हैं कहाँ पर, उनके परिवार कैसे, क्या उनकी गुण है। लेकिन जब उन्होंने सुना, उतना जैसे व्यक्ति भगवान के लिए जहर लेकर गई थी स्तन में, और राक्षसी बच्चों को खून पीने वाली, लेकिन केवल ऊपर से उन्होंने थोड़ा नाटक उसने रचाया था। बोले मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो बहुत मिलकर प्यार करनी चाहिए। बस इतना केवल उसने नाटक रचाई, भगवान उसको कहाँ दे दिया, बोलो को वृंदावन में स्थान दे दिया। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी तो पागल हो गए। बोले कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे कृष्ण को छोड़ कर कहा इसको भजन करे। फिर उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी आए, श्री व्यास देव जी पूरी उन्होंने श्री भागवत ग्रंथ उनको पढ़ाए। इसलिए यहाँ पर जो कथा हमने सुनी है, ये भागवत ग्रंथ का वक्ता कौन है? ये परम श्री सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म ज्ञान भी थे, लेकिन पूर्वन अहित की भक्ति युतम भूत गुणारी, भगवान की गुण को द्वारा आकृष्ट होकर जिसने ये भक्ति में आए, ये कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले ग्रंथ का श्रोता कौन है? बोले श्री परीक्षित महाराज, ये भी साधारण व्यक्ति नहीं। इनका नाम परीक्षित नाम क्यों पड़ा? ये मातृगर्भ में जिस समय अस्वस्थ मानी, उनको ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया मारने के लिए, भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश करते हुए उनको उन्होंने रक्षा किया था, उन्होंने गर्भ में भगवान को दर्शन किया था, और उन्होंने जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहा था, मैंने गर्भ में जो भगवान को दर्शन किया भगवान कहाँ है, ये सबको परीक्षा कर रहे थे। इनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज। कहते यहाँ ये जो कथा आती है ना, ये महाभारत की कथा है। किसका कथा है? किसकी कथा है? ये महाभारती कथा है। आपको पता है ये महाभारत क्यों हुआ है? इसलिए कहते हैं दो कारण से ये महाभारत हुआ है। बोले दो कारण क्या है? बोले पहला कारण है ये द्रौपदी ने थोड़ी सी जुहा के चलाई, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे सब चीज में हड्डी है, लेकिन उंगल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी हम बैठे हुए, पैर में हड्डी चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, इसमें नहीं है। बस आप लोग सब जानते हो भैया, ये जीवा में हड्डी नहीं, इसलिए देखना कि जीवा है ना हर्ष में लपर 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 लपर, ये बंद नहीं होता है, ये बंद नहीं होता है। अधना घर में जितने महाभारत का करने जीवा है, बहू बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पड़ोस में क्यों लड़ाई होता है? किसने थोड़ी सी जीवा चला दी है, थोड़ी सी जीवा चला दिया तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जीवा कैसे थोड़ी सी स्लीप हो गया, मेरे को इसने ऐसे बताया था, हाँ मेरे को उसने ऐसे कहा था ना, इसलिए ये सारी लड़ाई जीवा के कारण सब लड़ाई। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे ये महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी केवल इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा, बोले अंधा का बेटा अंधा, उसका मजा चखा उन्हें। गुरु जी कहते थे रामायण क्यों हुआ? बोले इसी कारण से, थोड़ी सी सीता ने जीवा चलाई, लक्ष्मण को बोल दिया, क्या बोल दिया? जिस समय मारी जी को पीछे राम ने चले गए, लक्ष्मण को बोले यहाँ से जाना नहीं, लेकिन वो तो था राक्षस, राम ने बाण चलाया, इतने में मारी जी ने बोले भैया लक्ष्मण, सीता ने बोले तुमने सुन लिया, तेरे भैया पर कोई विपत्ति आ गई, लक्ष्मण को पता राम भगवान इन ऊपर विपत्ति आ ही नहीं सकती, विपत्ति आ ही नहीं सकती कभी। बोले नहीं प्रभु, राम ने मेरे को मना कि आपको अकेले छोड़कर नहीं जा। बोले अभी मैं समझ रही हूँ तू क्यों आए, ओ ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो मेरे से शादी करोगे, कहाँ ये कहाँ चीज को सहन कर सकती है। फिर तो लक्ष्मण रेखा काट के गए, बोले इसको पार नहीं करना। मैया सीता ने दो गलती की, उनको से तो गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि वो लक्ष्मी है और वो भी नकली सीता थी। पहला गलती किया जीवा चलाया,
दूसरा गलती किया लक्ष्मण रेखा को उसने पार किया। यहाँ शिक्षा देते माताओं के लिए, आप कभी भी ये मर्यादा रेखा को पार मत करो, नहीं तो रावण आकर उठा कर ले जाएगा। हाँ, रावण उठा कर ले जाएगा, इसलिए मर्यादा रेखा को पार नहीं करनी चाहिए और जीवा को हमें नहीं चलानी चाहिए, फिर तो घर में हमारी महाभारत घर में शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए यदि ये वक्ता और जो श्रोता है दोनों ही बड़े महापुरुष, दोनों श्रोता वक्ता, अभी कृष्ण जब जब अभी कृष्ण हस्तिनापुर में जब कृष्ण जाने के लिए तैयारी होते हैं, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते, किसी तरह से कृष्ण को घर से निकलने नहीं देते। एक दिन मैया कुंती कृष्ण को स्तुति कर रही थी, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्र। भगवान के सारे शरीर को उन्होंने कमल के साथ उदाहरण दिया, हस्त कमल, नेत्र कमल, चरण कमल। बोले क्यों, जैसे कमल दिखने में बड़ा सुंदर है, आंखों को बड़ा आनंद देता है, भगवान का स्वरूप अपूर्व स्वरूप है। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती है नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती कर डोली। अच्छा हुआ भगवान तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, तो इतने सुंदर हो है। अगर तू लाली होता है ना, बताने सारा दुनिया में कितने क्षत्रिय मर जाते तेरे को पाने के लिए। इसलिए भगवान को कमल के साथ उदाहरण दिया, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यदि यहाँ पर मैया कुंती देखो बहुत अच्छी बात यहाँ बता रही है, बोले जगत में वे लोग सबसे बड़ा सौभाग्यवान जो कृष्ण को भक्ति करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन, बोले वसुदेव। बोले क्यों, जगत पिता जगन्नाथ है, लेकिन उनको भगवान किसको जीवन में पिता बनाया, बोले वसुदेव महाराज को। इसलिए ये बड़े सौभाग्यवान, बोले उनसे बड़े कौन, बोले देवकी। बोले क्यों, विश्व ब्रह्मांड जिनके गर्भ में, लेकिन जब भगवान आए किसकी गर्भ में आए, मैया कुंती की गर्भ, श्री देवकी की गर्भ में आए हैं। बोले इनसे बड़े हैं, बोले नंद गोप कुमार आए, मतलब है कहते इनसे बड़े कौन है, कहते श्री नंद बाबा मैया जसोदा। बोले क्यों, बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उनका पल्ले में झुलाया किसी ने, उनको पकड़ करके ठुमक ठुमक करके चलाया किसी ने, किसकी गोद में लालन पालन किए। इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो, हर जोर से बोलो सो रहे क्या, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। इसलिए कृष्ण तब मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उनको पावन किसने किया, उत्सव कहाँ हुआ, बोले श्री गोकुल में हुआ। इसलिए उनसे बड़े कौन है, नंद जसोदा, लेकिन उनसे बड़े कौन है, बोले ब्रज की गोपियां, क्योंकि कृष्ण रास किसको साथ में किए हैं, ये गोपियों को साथ में प्रभु रास किए हैं, लेकिन ये गोपियों से भी कोई श्रेष्ठ है, कहते सर्व गोपेषु सेविता विष्णु रतन वल्लभा। ये गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, किसकी, श्री राधा रानी की। इसलिए वृंदावन में इसलिए कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, और जोर से बोलो, और जोर से। इसलिए मैया कुंती ये सिद्धांत में स्थापन करती हैं, अगर भगवान की सबसे अगर कोई प्रिय प्रिया है ना, ये कौन है, बोले देवी कृष्ण मई प्रभुता राधिका परादेव, ये राधा रानी कृष्ण की सबसे प्यारी, श्री राधा रानी। कृष्ण ने कहा बुआ जी आज तो तुम उल्टा गंगा बहा रहे, मेरे मुझे कहां स्तुति करनी चाहिए, तुम उल्टा कर रहे, बोले यही तो तेरी माया है, किसको बुआ किसको भैया किसको बना दिया, तुम तो दुनिया का मालिक तो हो, यही तेरी माया है। कभी कभी मैंने भी बड़ा चक्कर में पड़ी गई थी, क्यों, एक बार ब्रज में तुमने मटकी फोड़ी, मैया जसोदा जाकर पकड़ ली, एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में पकड़ के रखी, बोले अभी तेरे को मारू, बड़ा दुष्ट बन गया। उसी समय में मैंने देख रहा था रुदंतम नेत्र जुगम रुदंतम करा भोज जुगमेन सातंग नेत्र, मैया मोटी मोटी काजल लगा दी थी, दोनों हाथ से मल रहा था, आंखों से आंसू की झरी बह रहा था, थर 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 तो कांप रहा था। मैंने कहा हे भगवान, यह क्या सचमुच से रो रहे ना, नाटक कर रहा है, मेरे को पता ये भगवान है, हैं भगवान कभी डरते हैं,
काल भी जिसका डर से थर 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 कांपते हैं, आज मैया जशोदा के डर से ये थर थर कांप रहा था, मैं भी चक्कर में पड़ गया था, ये सच मुझसे ना नाटक कर रहा है। मैंने ध्यान लगा करके देखा, नहीं ये नाटक नहीं, मुझसे रो रहा है। इसलिए कन्या तेरे माया समझना पड़ा कि ठीक ठीक है बुआ जी, जब तुम अपना बुआपन को स्थगित कर दिया ना, वो भी अपना भातीजापन को भी स्थगित कर दिया, मांगो जो कुछ मांगना झोली फैला कर मांग लो। मैया कृति कहती है, प्रभु विपत संतुल्य तत्र 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 जगत गुरु, मेरी झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ सारा जीवन संपत्ति मांगते हैं, तो विपत्ति क्यों मांग रहे हो? बोले कृष्ण, बोले सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए सुख में सुमिरन है नहीं करते, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे। इसलिए कहते प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले कौन कौन है? बोले जन्म, जिसको बड़े हाई भाई घर में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य जिसको पास में जाता पैसा हो जाए, श्री जिसका थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए हैं, और कहते ज्ञान जिसको थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई ज्यादा हो जाए। कहते प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरे को भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए नमो अकिंचन विताय विपरीत गुण वृद्धय, जो दीन है व्यक्ति तेरे को भक्ति करेंगे। इसलिए मेरे झोली में दुख भर दो, क्योंकि इसका प्रमाण देखो, जब जब हमारा जीवन में कोई दुख है ना, तेरे को स्मरण करते हैं उसी समय तो आएगा, और हमारे साथ में अभी तक रहा, लेकिन अभी फिर क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि अभी मैं राजमाता बन गई हूँ, द्रौपदी राज रानी बन गई, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती राजा बन गए, अभी संपत्ति आई ना, तुम हमसे अलग हो रहे हो। जब विपत्ति होता रहता था साथ में रहता था, इसलिए ऐसे संपत्ति को हम संपत्ति नहीं मानते हैं, जहां से भगवान हमसे दूर हो जाए। इसलिए हमारी झोली में विपत्ति भर दो झोली में। आप लोग बताओ तो, आप ज्यादा संपत्ति में भगवान को स्मरण करते हैं ना दुख में? बताओ, दुख में स्मरण करते हैं ना सुख में? दुख में स्मरण करते, इसलिए बोले हमारी झोली में दुख ही भर दो। हाँ देखो एक चीज को समझो, क्या इसका मतलब है? जो भगवान की भक्ति करते हैं जीवन में दुखी दुखी आए, कोई प्रश्न करेगा ना, मतलब जो भक्ति करते जीवन में दुखी दुखी आए उसको? बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे तुम्हारी पड़ोसी के साथ में तुम्हारी लड़ाई, आप बेटे को बोले देख बेटा तू मरना तो होता मर जाना, लेकिन जो पड़ोसी ना उसके साथ बात नहीं करना, मरना तो जहर खाकर मरना तो मर जाना, लेकिन पड़ोसी के साथ तो बात नहीं करना, फिर लड़ाई, क्या इसका मतलब तू जहर खाकर मर जाए? इसका मतलब है पड़ोसी को साथ में बात नहीं करना, क्यों उसको साथ में लड़ाई? इसका मतलब यही है, हे प्रभु आप हमें इसी अवस्था में रखना रख लो, लेकिन जैसे तेरा स्मरण हर समय रहे, जैसे तुम्हें कभी भूलू नहीं, इसका मतलब नहीं भक्ति करने पर जीवन में दुख ही दुख आएगा, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति करने से दुख हमारी खत्म हो जाती, दुख हमारी खत्म हो जाती। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जोर करके बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार जोर करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। पितामह भीष्म भी सर सज्जा में लेकर हुए, इनकी भी अंतिम इच्छा भगवत स्मरण और भगवत दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग दो। एक समय कृष्ण ये पांडवों को द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास में गए, और पांडव लोग एक एक करके भीष्म का चरण छू रहे थे अपना अपना परिचय देकर के, लेकिन जब कृष्ण भी प्रणाम किए, कृष्ण बोले अर्जुन का सारथी आपका प्रणाम कर रहे, वो तो भगवान को ही स्मरण कर रहे थे, क्यों? अंतिम समय में प्रभु का दर्शन करते करते अंतिम श्वास त्याग दो। जब उन्होंने इतना बोले अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहे हैं, इतने पट उन्होंने आग खोल दी और सामने साक्षात कृष्ण को उन्होंने दर्शन किया। इतने में कृष्ण ने पितामह भीष्म को बोले आप थोड़ी सी
श्री युधिष्ठिर महाराज को समझाओ, वो बड़े दुखी है। बोले क्यों दुखी? जब ये महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे वजह से कितने स्त्रियां विधवा हो गई, कितने माताओं को कोख खाली हो गया, कितने बच्चे पितृहीन हो गए। आप लोग कुरुक्षेत्र में गए हैं? आप कुरुक्षेत्र में गए, वहां देखना, वहां का जो मिट्टी है ना एकदम लाल लाल है, अभी भी वो मिट्टी वहां लाल। कहते 11 और 7 अक्टूबर सैनिक, करोड़ों करोड़ों सैनिक वहां मारे गए है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे ये मेरे वजह से ये सब सारी चीज हुआ, खून से सने हुए राज्य में मैं बैठना नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, बोले युधिष्ठिर निमित्र मात्र भव सब साजी। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, कृष्ण विराट को दिखा, देखो तुम क्या मारोगे, पहले मैं मार करके रखा हूं, केवल तुम निमित्त बनो। कृष्ण बहुत समझाते हैं लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझते नहीं। बोले क्यों? बोले घर के जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध। बोले घर का व्यक्ति क्या क्या हमें समझाएगा? तब श्री उन्होंने पितामह भीष्म को बोले आप थोड़ी सी समझाओ। अरे पितामह भीष्म उनका समझाया, बोले जानते हो ये कौन है? बोले गुरम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, अपराध पर पूर्ण ब्रह्म, ये मनुष्य रूप में ये तुम्हारे घर में निवास कर रही है, साधारण नहीं। सगर देखो कितने ऋषि मुनि तुम्हारे घर के सामने लाइन करके खड़े रहते हैं, कृष्ण का एक झलक दर्शन हो जाए और वही कृष्ण तुम्हारे साथ में पासा चल रहे, जोकी कर रहे, खाना खा रहे, ये साधारण नहीं, ये गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। उनको बहुत समझाए। इतने में पितामह भीष्म एक बात बताए, बोले देखो युधिष्ठिर समर्थ रहते अन्याय को नहीं सहन करना चाहिए। जब इतना बोले ना, वहीं पर थी द्रौपदी, इतने में मुंह में कपड़े रख करके थोड़ा हंसने लग गए। पितामह भीष्म बोले द्रौपदी तू हंस रहे कि? बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं, जो सत्य साधी नारी बिना कारण के कभी हंसते नहीं, जरूर तेरी हंसी में कुछ कारण है। तब द्रौपदी बोली प्रभु आप बता रहे हो समर्थ रहते कभी अन्याय सहन नहीं करने चाहिए। हाँ बोले जिस समय भरी सभा में मेरी वस्त्र हरण हो रही थी, आप पितामह थे, आपको मुंह से एक अगर शब्द निकल जाता है ना बंद करो, किसका हिम्मत नहीं था मेरी वस्त्र हरण करना, लेकिन आप भी वहां चुपचाप बैठ करके सहन करते रहे। अभी तो बड़े बड़े ज्ञान की बात बता रहे हो, समर्थ रहते अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए। देखो भीष्म जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बोले द्रौपदी उसी समय मैंने इसलिए बोल नहीं पाया था, ये दुष्ट दुर्योधन का मैं अन्न खा खा करके ना मेरा मन मैला हो गया था, और अर्जुन बाण मार मार करके जो दूषित जो खून धारा सब निकल गया है, इसलिए मेरा मन अभी शुद्ध हो गया है, इसलिए मैं इतनी अच्छी अच्छी भगवान को स्तुति कर रहा हूँ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, कहते विषय अन्न खाइले मलिन है मन, और मलिन है ले मन ना है कृष्ण स्मरण। इसका मतलब है कहते जब तुम कोई अन्न खाओ ना देख करके गाओ, देख करके खाओ। अगर दुष्ट व्यक्ति का कोई अन्न खाओगे उसमें तुम्हारे भजन नहीं होगा, कोई पाप कर्म को द्वारा कमाया हुआ वस्तु खाओगे तुम्हारे भजन नहीं होगा, मन तुम्हारी गंदा हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं रघुनाथ दास अगर भजन करना चाहते हो ना, तुम्हारे पिता विषयी अगर उसका अन्न खाओगे तो भजन नहीं होगा तुम्हारी। इसलिए उन्होंने पिताजी से कुछ समय तक लिए, उसके बाद उन्होंने त्याग ले दिया, बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। उन्होंने भिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने भजन किया। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे देखो जो मंदिर में जो ब्रह्मचारी लोग के लिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे बोले उतना भजन करो है, कितना भजन करनी चाहिए? जो व्यक्ति मंदिर में पैसा देते हैं वो ऐसे पैसा नहीं देते, हाँ ऐसे नहीं पैसा कोई दे देता है, कैसे पैसा आता है अक्सर करो मंदिर में, बड़े गुरु जी कहते थे वो सारे पाप का पैसा है, पता नहीं कैसे कैसे पैसा कमाएगा, और हमारे घर का परिवार का शांति सुख हो, बेटी की शादी हो जाए, घर का बीमारी सही हो जाए, इस भाव से कोई मंदिर में पैसा देता है। इसलिए कहते वो विषय कारण है, बोले उतना भजन करनी चाहिए, उतना भजन कम से कम जिसका अन्न खा रहे हो जैसे उसका पाप से तुम्हें मुक्ति मिले, उतना भजन करो, कुछ भजन का फल तो जो तुम्हें अन्न दे रहे हैं वो ले लेगा, कुछ ले लेगा। अभी तुम्हारे पास में कुछ बचना चाहिए ना, तुम्हारे पास में कुछ बचना चाहिए, इसलिए उतना हरिनाम करो कुछ तो फल वो ले लेगा,
और कुछ फल तुम्हारे जो बचेगा वो फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए कहते थे बड़े गुरु जी बढ़िया करके हरिनाम करो, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करो और ज्यादा से ज्यादा भगवान की भजन करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए पितामह भीष्म लास्ट में कहते बोले हे प्रभु विजय सखे रस्तु में अनवद्य, मेरी जो प्रेम है ना अर्जुन का जो सखा है, अर्जुन का सखा कौन कृष्ण है, कहते इनकी चरण में हमारी प्रेम रहे। बोले ऐसे क्यों उन्होंने बताया, अर्जुन का सखा को चरण में ही प्रेम क्यों बताते हैं। बोले हमने स्वयं देखा ये भगवान होते हुए भी कैसे भक्तों का प्रेम में बसीभूत हुए। इसलिए बोले ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्ज कहते श्री अर्जुन के रथ हाके कहते हाँ कहते अर्जुन पार्थ के रथ हाके। इसलिए भगवान होकर के उन्होंने अर्जुन का सारथी बन गए हैं, उनकी सारथी बन गई, कहाँ भगवान है कहाँ ये सारथी का काम करते हैं। इसलिए एक समय जब कुरु पांडव में युद्ध हो रहा था, एक दिन दुर्योधन ताव में आकर के पितामह भीष्म को बड़ी गाली दी, बोले आप तो मैंने सेनापति पद में नियुक्त करके बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि आप तो पंच पांडवों को मारोगे नहीं अपने बताया, लेकिन हमारा शत्रु तो पांडव पंच पांडव ही हमारा शत्रु है, हमने बेकार आपको हमने सेनापति पद में नियुक्त किया। इतने में पितामह भीष्म को बड़ा क्रोध आ गया, बोले ठीक है कल पंच पांडव को मैं विनाश कर दूंगा, इनके लिए पांच बाण बनाऊंगा और पांच बाण से पांचों को मैं समाप्त कर दूंगा। अभी पंच बाण वो सो रहे हैं, उनको तो कोई निश्चित है, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। बोले क्यों, कृष्ण प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं, लेकिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि कल मैं पांच बाणों को समाप्त कर दूंगा। अभी कृष्ण को नींद नहीं आ रही है, कृष्ण प्लानिंग बना रहे, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे, कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। बोले क्यों, बोले पितामह भीष्म तुम्हारे पांच पांडवों को विनाश कर डालेंगे। इतने में भीष्म जा करके कृष्ण जा करके अर्जुन को हाथ पकड़ को हिला रहे, बोले अर्जुन उठो अभी सोने का समय नहीं। अर्जुन कह रहा है क्यों तंग कर रहे हो, दिन भर परिश्रम करते करते फिर सबर फिर युद्ध करना पड़ेगा। बोले सोने का समय नहीं, पितामह भीष्म ने पांच बाण बनाया, कल तुम्हारे पंच पांडवों को मार डालेंगे। बोले अच्छी बात है, न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगी कृष्ण का पांच भक्त थे और सबके सब उनको मार डाले। पितामह भीष्म बोले यही तो बात है, मैंने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं, इसलिए अभी उठो जल्दी उठो। फिर उन्होंने अर्जुन को लेकर के जाते हैं, बोले तुमको दुर्योधन ने बोला था वर देगा, जाओ उसका पोशाक को तुम लेकर के आओ और पितामह भीष्म के पास में जाओ, ये पांच बाण को वापस ले आओ। उन्होंने जाकर पांच बाण को उन्होंने वापस ले आए, बोले मेरे को दे दो आप क्यों मारोगे। इतने में दुर्योधन आया, पितामह भीष्म बोले अच्छा हुआ दुर्योधन तुमने पांच बाण को ले लिया। बोले मैंने कब लिया, बोले अभी अभी आया था ना। बोले ओ इसलिए अर्जुन मेरे ड्रेस लेकर के आया था और ये ड्रेस पहन करके पांच बाण को ले लिया। इसलिए भगवान पांडवों को कितने तरह तरह से प्रभु रक्षा करते हैं। इसलिए पितामह भीष्म बोले प्रभु मेरे अंतिम इच्छा आपका दर्शन करते करते आपका नाम लेते लेते अंतिम श्वास त्याग करो। भगवान सामने खड़े, जब पितामह भीष्म प्राण त्याग किया सारे देवता देख देख रहे आश्चर्य हुए। बोले क्यों आश्चर्य हुए, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं, और कहां साक्षात कृष्ण खड़े और इनकी नाम लेते लेते और उनकी दर्शन करते करते उन्होंने अंतिम श्वास त्याग की। सारे देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की बौछार की और पितामह भीष्म को उन्होंने जयकार दिए। बोले पितामह भीष्म की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण
द्वारका गए हुए, लेकिन 7 महीना हो गया अभी वो वापस नहीं आ रहे थे। एक दिन श्री युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन को उन्होंने देखा, बल्कि अपशकुन देखा, उन्होंने देखा दो किसान लड़ते लड़ते आए। बोले लड़ाई का कारण क्या था? बोले एक किसान दूसरे किसान को जमीन बेचा था। जब किसान खेती कर रहा था वहां से सोने के कलश निकला, उसने ला करके जिसने बेचा था बोले तू ले ले, तुमने मेरे को जमीन ही बेचा था और ये सोने का कलश नहीं बेचा था। बोले मैं नहीं लेता। बोले क्यों? बोले तुमको तो एक बार बेच दिया ना, उसमें जो निकलेगा तेरा, तुम मेरे को दे रहे। अभी वो सोने का कलश कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। श्री युधिष्ठिर महाराज के पास में गए, बोले कल आना विचार करूंगा। दूसरे दिन फिर लड़ते लड़ते दोनों आए। बोले क्यों? पहला दिन तो कोई लेना नहीं चाह रहा था, दूसरे दिन छोड़ने कोई नहीं चाह रहा, कहते ये मेरा है, ये मेरा है। अभी युधिष्ठिर महाराज देखा ये क्या हो गया, एक दिन पहले लेना नहीं चाह रहे थे, दूसरे दिन कोई देना नहीं चाह रहे। पता चला कृष्ण ये दुनिया छोड़कर चले गए, इसलिए द्वापर युग समाप्त हो गया। कल तक द्वापर युग था, आज से ही कलयुग आ गया। और कलयुग में यही चीज होगी, लड़ाई होगी। कलयुग में सबके सब लड़ाई करेंगे, मेरे मेरे लिए लड़ाई करेंगे। इतने में अर्जुन को देखा वापस आते हुए, सारे चेहरा लटकता हुआ। बोले क्या हो गया? बोले भगवान ये संसार छोड़कर चले गए। तो उन्होंने कृष्ण का एक एक गुण का स्मरण करते करते रो रहे थे। बोले भैया आपको याद? बोले किस बात की? बोले जिस समय आप जुआ खेल रहे थे, शकुन ने सब कुछ आपसे अपहरण करके ले गया। बोले तुम्हारे पास में और एक रत्न है। बोले कौन? बोले द्रौपदी, ये सबसे बड़ी रत्न। द्रौपदी को भी जुआ में लगा, उन्होंने भी द्रौपदी को भी उन्होंने जुआ में लगा दिया। लेकिन फिर श्री जुआ में फिर उन्होंने जीत लिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन अभी ये द्रौपदी राज रानी नहीं, हमारी दासी, जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। और भरी सभा में रजस्कला अवस्था में थी, भरी सभा में घिसटते हुए ले आए। दुर्योधन ने कहा उसको मेरे जंघे पर बैठा दो, है मेरे जंघे पर बैठा दो। उसी समय में द्रौपदी ने दोनों भुजाओं को उठा तो ये भगवान को स्मरण किया, भगवान स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। लेकिन 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी का बीच में नारी, नारी बीच कोई साड़ी है। अभी याद है? बोला याद है। बोले भैया द्रौपदी को पाना इतना आसानी बात नहीं थी, नीचे रहेगा तेल की कढ़ाई, ऊपर में मछली घूमेगी, परछाई देकर के निशाना लगाना पड़ेगा। ये काम कोई नहीं कर पाया, मैंने ये काम कर दिया। केवल कृष्ण की कृपा से ही एक एक उनकी गुण को स्मरण करते हुए रो रहे थे, हैं रो रहे थे उनको स्मरण करते हुए। इतने में मैया कुंती ने शरीर त्याग दिया। बोले क्यों? जब कृष्ण ही नहीं रहे ये शरीर रखकर क्या लाभ? पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर हम रहकर क्या करेंगे। पांडव भी ये दुनिया को त्याग दी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित को बना करके गए। अभी परीक्षित महाराज एक दिन बड़े अपशकुन देख रहे थे, चतुरंगिणी शनि को लेकर के देखने के लिए गए। देखा एक आश्चर्य घटना, एक गैया तो बड़ी दुखी होकर के गैया रो रही है, और एक बैल का 3 पैर नहीं हुए, एक पैर में खड़ा हुआ, और एक पैर को तोड़ने के लिए शूद्र राजा वो एक पैर भी तोड़ रहा था, वो पेशाब और मूत्र को विसर्जन कर रहा था। परीक्षित महाराज तलवार निकाले चपट बड़े, लेकिन वो था स्वयं कली। उन्होंने सीधा हाथी के चरण में लेट गया। बोले तू कौन हो? बोले ये कली। बोले ये क्या? बोले धर्म। बोले इनका 3 चरण कहाँ चली गई? बोले धर्म का 4 ही चरण है, 4 ही चरण में सत्य त्रेता द्वापर 3 युग बीत गया, ये धर्म केवल 1 चरण में खड़ा हुआ। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले कली युग में कोई धर्म कर्म का रहने नहीं दूंगा, सबके सब मैंने मिटा देना चाहता। बोले जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं कर सकूं, भाग जाए यहाँ से, ये तो जान से तेरे को मार डालूंगा। बोले कहाँ जाऊं? ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राज होते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राज होते हैं। जहां जाता हूं आपको धनुष धारण करते हुए वहीं पर देखता हूं। जब आप सबको स्थान दिया मुझे भी स्थान दो। तो उन्होंने बहुत सोचा, कलयुग में दोष किया और गुण किया। बोले कलयुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में केवल एक ही गुण है। बोले वो गुण क्या है? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम वध परम। उन्होंने देखा कलयुग का जी में कोई साधन नहीं कर सकते,
लेकिन एक ही साधन कर सकते हैं, भगवान की कीर्तन कर सकते हैं। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण जोर जोर से बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, बार जोर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जानते हो ये कलयुग का नाम क्या है? यह कलयुग का नाम है, बताओ ये कलयुग का क्या नाम है? कौन सा कलयुग है? इसलिए ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं है। जो आम जो कलयुग है ना, अच्छे को अच्छे तरह समझो, जो आम जो कलयुग आता है ना, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये जो कलयुग ये साधारण कलयुग नहीं। बोले ये कौन सा कलयुग है? बोले धन्य कलयुग है। बोले धन्य कलयुग इसको क्यों बताया? ये चीज को अच्छे तरह समझो, ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों? इसका नाम कली, कली मतलब जहाँ कला है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है। लेकिन ये जो कलयुग में हम लोग आए ना, ये कलयुग में बड़े बड़े देवता लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। देवता लोग भी सत्यजु को कृतज्ञ बताया, धर्म चार चरण में रहता था, पूर्ण धर्म। लेकिन वो सत्यजु का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते। त्रेता युग में जहाँ पर राम भगवान है, जहाँ राम राज्य, हम कहते हैं ना राम राज्य, जिस राज्य में कोई भी दुख कष्ट नहीं था, हैं? कोई कुत्ता भी अगर कोई परेशानी हो राम दरबार में वो भी शिकायत करता था, सबके सब सुखी थे। लेकिन त्रेता युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहता है। बोले द्वापर युग में साक्षात भगवान कृष्ण थे, धर्म चार चरण में था, लेकिन ये द्वापर युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, जहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा। बोले क्यों लेना चाहते हैं? बोले ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है। बोले क्यों? बोले ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु है। हर त्रेता में प्रभु राम नहीं आते, और कोई अवतार आते हैं, लेकिन अभी जो त्रेता युग है इसमें राम आए थे। हम द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं, अभी जो द्वापर युग है उसमें कृष्ण आए थे। हर कली में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, अभी जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु है, ये पूर्ण ब्रह्म है। ये कब आते हैं? बोले ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। मैं पहला दिन बताया था ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा दिन है। बोले 1000 चतुर्युग बीत जाती है, 1000 चतुर्युग के बाद में फिर एक बार ये कलयुग आता है, पिछले करोड़ों साल के बाद में एक बार। अब ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और ये कलयुग में उन्होंने ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जी जो प्रेम के लिए ये लोग तरसते हैं ना, कहते ये महाप्रभु वो प्रेम को आसानी से ये प्रेम को सबको प्रदान करते, ज्यादा कलयुग में कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल चार नियम को पालन कर लो और थोड़ी सी भगवान का नाम ले लो। लेकिन वो कौन सा प्रेम देंगे? बोले जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जी जो प्रेम के लिए तरसते है, लेकिन वो प्रेम को वो आसानी से वो ब्रज प्रेम और आधारणी की सेवा ये प्रदान करते हैं श्री महाप्रभु। इसलिए कलयुग में बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने देखा ये कलयुग धन्य कलयुग है, इसमें श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले है ना, और संपूर्ण पृथ्वी में हमारी सनातन धर्म प्रचार होगा संपूर्ण पृथ्वी में। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी जाएगा, और गोरे और काले दोनों लोग इकट्ठे होकर के बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर ब्रह्मानंद हरि, यदि ये दोनों मिलकर के हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए देखो कुछ गोरे लोग भी हमारे साथ हैं, देखो पीछे कुछ अभी कुछ गोरे लोग कुछ गोरियां हैं अभी चली गई, कुछ भक्त लोग आए थे। इसलिए देखो इसी कलयुग में ये सबके सब इकट्ठे होकर क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे। संपूर्ण विश्व में हमारी ये धर्म विश्व में प्रचार होगा। इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने कलयुग को उन्हें स्थान दे दिया। अभी आप लोग ध्यान देखते सुनो, कहते कलयुग को उन्हें चार ही जगह पर स्थान दिया। इसका मतलब है अगर केवल ये चार नियम कोई पालन कर ले और थोड़ी सी भगवान का कीर्तन कर ले, इससे ही हमारी कल्याण हो जाएगा। उदाहरण दिया, जैसे आपको कोई बड़ी बीमारी कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए,
वो डॉक्टर सचमुच से आपको बीमारी सही करना चाहता है, वो क्या बोलेगा? बोले देखो दवा तो बहुत बढ़िया दवा देगा, बढ़िया दवा दे रहा, पर अगर परहेज को साथ में दवा लोगे ना, बड़ी जल्दी जल्दी तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर बगैर परहेज को अगर दवा लोते रहोगे लेकिन बड़े दिन तक तो लोगे लेकिन तुम्हारी बीमारी सही होगी, दवा लोगे पैसा खर्चा होगा लेकिन तुम्हारी बीमारी सही नहीं होगी। हाँ देखो आप ध्यान देकर सुनो, पूरे कलयुग में केवल चार नियमों का पालन कर लो। पहला है जुआ मत खेलो। जुआ धर्म का पहला चरण सत्य है, इसलिए जो जुआ खेलेंगे वो कभी सच नहीं बोलते, झूठ 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 बोलना पड़ता है, हैं? इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज बताए, देखो मैं धर्मराज सम्राट राजा था लेकिन ये जुआ खेल कर कितने सर्वनाश में राज्य गया, भाई गए, पत्नी गई, फिर 12 साल तक भटकना पड़ा जंगल में और 1 साल तक अज्ञातवास में श्री विराट का राज्य में मैं युधिष्ठिर होते हुए भी कंक का काम किया और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडी भी धारी, क्या करता था बोलो, क्या करता था विराट का राज्य में, वो क्या करता था, क्या करता था, बृहन्नला काम करता था, नृत्य क्या करता था, सर्वश्रेष्ठ गांडी गदाधारी भीम क्या करता था, बोलो क्या करता था, रोसे का काम कौन करता है हमको पता होगा, नकुल सहदेव इतने गुणवान वो क्या करते थे, बाबा माता जी सब जानती है, इसलिए वो क्या करते थे घोड़े साला में घोड़े, और द्रौपदी उस समय इतने सुंदर थी वो क्या करती थी, क्या करती थी, वो शैलेंद्रिक काम करती, महारानी केस के सवारा करती थी। मतलब शिक्षा देते हैं अगर आप जुआ खेलोगे ना इतना नीचे तक उतर जाओगे, इसलिए खबरदार ये जुआ फुआ हाथ मत लगाए करो, इसमें हाथ मत लगाओ, धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाएगी। दूसरा पान, मतलब किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करो, नस्ली वस्तु में जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा पुटका ये जितने चीज को नहीं लेनी चाहिए, हैं, ये चीज को मत लो। एक संत कहते थे जो शराब पीते है ना उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है, 3 लाभ। पहला लाभ क्या, वो पहला नंबर बुरा नहीं होगा, दूसरा नंबर घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा नंबर कुत्ते दोस्त बन जाएंगे। बोले मतलब क्या, पहला नंबर में बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा। इसलिए हम कभी रशिया में प्रचार के लिए जाते हैं ना, वहां पर ज्यादा लड़कियां रशिया में दिखता, मैंने कभी इतना लड़कियां क्यों, बोले बचपन में ये शराब पीते हैं, अब पी पी कर आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं सबके सब। इसलिए दूसरा नंबर में कहते ये चोरी नहीं होगा, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो जो कुछ होगा बेच बाच करके सब पी पा कर खत्म करते हैं, इसलिए चोरी नहीं होगा। बोले तीसरा नंबर क्या, बोले कुत्ते दोस्त बन जाएंगे। एक यूट्यूब में मोबाइल में एक ये आया था, कैसे एक व्यक्ति कैसे सोया शराब पी कर कुत्ता आकर को मुंह चाट रहा था, आप देखे होंगे उसको। इसलिए कहते ये सब चीज जो हमें कोई नस्ली वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए, गंदी चीज है, नशा एक ही हो प्रभु की प्रेम की एक ही नशा हो। देखो और एक चीज समझो, बोले चाय भी नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। अब बोले चाय में क्या दोष है, देखो ये चीज को समझो, बोले चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, चाय पत्ता ठीक है लेकिन उसमें एक निकोटीन और एक है उसमें एक निकोटीन डालते हैं, है एक कफीन डालते हैं। देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं जैसे शराब पीने का समय आ जाए, अगर शराब मत पियो क्या होगा, बेचैन से आती है ना। आप देखना चाय जो पीते हो चाय का समय आए और चाय मत पियो क्या होता है, बोला सर दर्द होता है कि नहीं, पहले क्यों होता है, क्योंकि उसमें कफीन है उसमें निकोटीन ही डाला हुआ है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं सवेरे एक कप चाय पी लो ना दोपहर तक चिंता नहीं, बोले इतने से चाय से भी पेट भरती है नहीं, फिर भूख क्यों नहीं लगती, वो चाय नहीं वो जहर है, हमने उसको नशा उसको पी करके जो भूख लग रहा था ना वो भूख हमने खत्म कर दिया। अगर आप भूख लग रही रोटी खाओ सब्जी खाओ है दूध पियो दही खाओ फल खाओ ना, ये जहर पी करके आप भूख को क्यों खत्म करे, ठीक है ना, कोशिश करना। देखो पहले ये अंग्रेजी लोग अपना बिजनेस केस चलाया, पहले जो भारत में चाय आता पहले भारत में कोई चीज चाय पीते थे, विदेशी लोगों ने कहा देखो जो एक कप चाय पिएगा ना 1.25 रुपया मिलेगा, हमने बेवकूफ बन गए, बोले 1.25 रुपया और पैसा, पहले एक कप चाय मिलेगा उसमें 1.25 रुपया का बड़ी कीमत था,
फिर हमने चाय पी, कुछ दिन बाद में बोले देखो 1 रुपया मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, 1 कप चाय 50 पैसा। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, पैसे पीना पड़ेगा, और पी पी करके हमारा नशा बन गया। कुछ दिन बाद में बोले पर अपने 25 पैसा तुम्हें उल्टा देना पड़ेगा, बोले कोई बात नहीं लो। बोले 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 2 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 5 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। अभी कितना हो गया? अभी 10 रुपया देना पड़ेगा। और इतनी से चाय पिए और हमसे 10 रुपया देख लिए। अब 10 रुपया में 1 पावा वो दूध मिल जाएगी, और दूध पियो जिसमें हेल्थ सही रहेगा उसको पियो ना। इसलिए जितना दूर हो सके रामदेव बाबा के हर्बल की गोकुल टी मिलती है, आप वो चीज को लो, नहीं तो दूध में दूसरी चीज डाल करके हर्लिक्स डाल कर पियो, अच्छी चीज को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए धर्म का दूसरा चरण कहती है तपस्या, उससे ये तपस्या नष्ट हो जाता है। कहती है तीसरा चरण है बोले स्त्रियम, बोले कली का निवास कहाँ पर है? बोले स्त्रियों में। बोले कौन सा स्त्रियों में है? हाँ, कौन सा स्त्रियों में? कहते अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, संसार करो, शादी शुदा करके पति पत्नी दोनों मिल करके अपना घर गृहस्थी बनानी चाहिए। अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से नहीं मिलनी चाहिए। धर्म का तीसरा चरण पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा चरण है बोले जीव हिंसा, जीव हिंसा में कभी सब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कहते अगर कलयुग में केवल ये 4 नियम को पालन कर लो और थोड़ी सी भगवान का कीर्तन कर लो, बस इससे कल्याण हो जाएगा, इससे ही हमारी उद्धार हो जाएगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोलो जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। कहते अभी श्री सृष्टि का क्रम को आगे बढ़ा रहे और 10वीं कथा सुन लो। अभी ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, भगवान के नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए। चारों तरफ में उन्होंने पानी उन्होंने देखा, बोले भाई सृष्टि कहाँ से हुई? पता लगाया तो कहीं पता ही नहीं मिला। फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का 16वां 21वां अक्षर सुने, बोले ता और पा, बोले तुम तपस्या करो। तपस्या किया तो भगवान ने बोले ज्ञानों में परम गुणम जग विज्ञान सम्मिलितम। भगवान उनको दिव्य ज्ञान बंसी ध्वनि के द्वारा उन्होंने उनको गोपाल मंत्र प्रदान की, जिस गोपाल मंत्र को द्वारा उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने ब्रह्मा जी सृष्टि किए। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि किए सर्वप्रथम चतुसन को सृष्टि किए, लेकिन चतुसन ने मना कर दिया हम संसार नहीं करेंगे। उनको क्रोध आया तो ललाट से श्री शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी को भी आदेश दिए रुद्र को, उन्होंने भी बोले ऐसे सृष्टि करो, वो मना ही कर दे, भूत पिशाच को सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी बोले कोई सृष्टि बंद करो, बोले भैया मैं तो यही चाहता था। फिर परछाई से गर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर उन्होंने अपना शरीर से 10 पुत्र और मनु और 70 रूपा को सृष्टि की। इसी मनु से ही ये सृष्टि धीरे 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 आई, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। उनको 3 बेटी और 2 बेटे हुए हैं। 3 बेटी में आकृति देहूति प्रसूति और उत्थान पात और प्रियव्रत। यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है। यदि ये माता देहूति जब श्री कर्दम ऋषि सृष्टि हुई, उन्होंने कठोर तपस्या की, भगवान दर्शन दिए, बोले बता वर मांगो, बोले प्रभु आपके चरण में हमें भक्ति मिले, बोले तथास्तु, बोले और क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरे मन में तो कोई संसार की इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा ही संसार का क्रम बढ़े। बोले हाँ, बोले मैं संसार तो करूंगा लेकिन 2 शर्त पर। बोले बताओ क्या शर्त? बोले पहला शर्त में आप मेरे बेटे बन करके आओगे तभी मैं संसार करूंगा। बोले कोई बात नहीं बेटा बन करके आऊंगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, संतान हो जाएगा ना फिर हम भजन करने के लिए चले जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, उन्होंने वरदान दे दिया। अभी कर्दम ऋषि को साथ में माता देहूति की शादी हुई, उसको बाद में फिर भजन में बैठ गए। तो भजन में बैठ के 10,000 साल भजन किया और माता देहूति अपना पति व्रता धर्म को साथ में पति की उन्होंने सेवा की। जब उनको आँख खुला ना, वो भूल गए कभी शादी की, देखा सामने की डोगरी बैठी हुई, बोले तू कौन हो? बोले आपने कभी शादी किया कि नहीं? बोले तू वही देहूति।
तो वो इतने सुंदर थी आकृति देव की प्रसूति, जब वो अपना आंगन में खेलती थी देवता लोग भी जिनकी सुंदरता देख करके बेहोश हो जाते, इतने सुंदरी। लेकिन पति की सेवा करते करते उनका जटाजुट हो गया, केस उनकी जटाजुट हो गई। यहाँ पर शिक्षा देती है, क्या देती है, पत्नी को तभी श्रृंगार करनी चाहिए, कब श्रृंगार करनी चाहिए, पति के लिए ही पत्नियां श्रृंगार करती है ना। हमारे गांव में हमने देखा है, हमारे गांव में जितने माता है ना, हमने कभी देखा नहीं वो सबरे कोई श्रृंगार करते हुए, हम देखते तो शाम को श्रृंगार करते हुए। बोले ये शाम को क्यों श्रृंगार करती, बोले कारण है वो पति चले जाते थे काम में, जब पति काम में चले जाए फिर श्रृंगार करके दिखाए किसको, किसको दिखाएगी, इसलिए पति शाम को आएगा। इसलिए हम देखते थे हमारे माता है वो शाम को सबके सब श्रृंगार, अपना श्रृंगार शाम को करती थी। क्यों, पत्नी का जो श्रृंगार केवल पति के लिए और किसके लिए नहीं है, इसलिए पति तो भजन में बैठे हुए श्रृंगार करके दिखाएगी किसको, इसलिए उनके केस में सब जटाजुट हो गया सबके सब, वो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बताओ तेरे को क्या चाहिए, बोले आपने शादी क्यों किया था, बोले भगवान ने बैठे बैठ करके आओगे तो इसलिए शादी किया था, बोले हाँ, ले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करके जब वहां से निकली है ना, पहले जितने सुंदरी थी उससे और ज्यादा सुंदरी बनकर निकली, हजार दास दासियां प्रकट हुई। देखो पहले का जो साइंस है ना, अभी का साइंस से बहुत एडवांस था। इन्होंने एक विमान बनाया, एरोप्लेन बनाया, वर्णना आती कितने क्रोश तक थी वो, और जिसमें सुंदर सरोवर, सुंदर सुंदर कमल फूल खिले हुए, और राजमहल, हर तरह का फल, हर तरह का फूल। वो विमान में जो बैठेगा ना, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगी, और वो विमान में जो बैठेगा उसको कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, हैं? वहां पर कोई रोग ग्रस्त नहीं होगा, इतने अद्भुत विमान है। और उसमें बैठ करके उन्होंने आकाश में उन्होंने भ्रमण किया, और करते करते उनको नौत हो, बड़ी सुंदरी सुंदरी उनकी कन्या जन्म हुई। बोले देवती अभी तो खुश हो गई, पर नौ बेटी है, बोले नहीं अभी तो भगवान बेटे बन करके आए नहीं। फिर उन्होंने पति की सेवा की तो भगवान स्वयं बेटे बन करके आए, बोले से कपिल मुनि रूप में, बोले कपिल भगवान की। लेकिन अभी तो नौ बेटी हुई है, नौ बेटी बेटी और बेटे बेटे हुए, अगर घर में बेटियां आए तो पिता माता का क्या कर्तव्य है, पहले बेटियों का शादी दो। आप लोग बेटियों को शादी देती होगी, देखना जब एक बेटी शादी दो ना, घर खाली हो जाता है, घर खाली हो जाते हैं। यानी कि कितने कितने बेटियां हैं, नौ नौ, आपको पता होगा नौ बेटियों की शादी करना कितना कठिन है। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो ना, भगवान सब व्यवस्था करते हैं। नरसिंह भक्त का नाम सुने हो, ये दिन भर भजन करता था, दिन भर भक्ति करता था। अभी घर में बेटी है, अभी बेटी की शादी कैसे हुई, भगवान कृष्ण स्वयं साबरिया से बनकर के आते हैं, और बेटी को इतने बढ़िया शादी कराते हैं ना, करोड़पति भी इतना बढ़िया शादी नहीं करा सकते। इसका मतलब है अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना, इसलिए कहते ना, करते हो तो मुकन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर आप भक्ति करोगे ना, इसलिए कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, अनन्य चिंतयन्ति माम यजनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाय भाग्यम्। हे अर्जुन, जो दिन रात मेरी ही चिंता करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या करते हैं, पर उसका घर में जो चीज नहीं, सर पर रख करके पहुंचाता, और उसकी घर में जो चीज हो, मैं स्वयं एक चौकीदार बनकर उस पर रखा करता हूँ। इतने बड़ी प्रतिज्ञा भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए एक दिन ब्रह्मा जी अपना नौ बेटे को लेकर के आए मनु महाराज के पास, ये तर्तव्य ऋषि के पास में, इनकी नौ बेटी और नौ बेटे। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, बोले शुभम शीघ्रम, शुभ काम से जल्दी कर दो। एक साथ में उन्होंने नौ बेटियों को विदाई दे दी, पूरे घर खाली हो गया। अभी घर में तीन व्यक्ति रह गए हैं, पिता माता, कर्दम ऋषि, कपिल मुनि। कर्दम ऋषि अभी भजन करने के लिए चले गए। यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया भजन किसको करने जा रहे हो, बोले भगवान को। बोले भगवान तो तेरे घर बैठे, भगवान तुम्हारे बेटे बन कर भगवान तुम्हारे घर में बैठे, फिर तुम भक्ति करने के लिए क्यों जा रहे हो, कुछ ध्यान देकर सुनो इसका, क्यों घर में भगवान होने पर भी फिर उनको भक्ति करने का क्या जरूरत है। अच्छे तरह से सुनो, कल मैं सबको पूछूंगा, कल मेरे इस प्रश्न का सबसे से उत्तर देना, ठीक है ना। कल सबको सब पूछूंगा, घर में भगवान है फिर ये भक्ति करने के लिए क्यों जा रहे, मैं कल देखूंगा ये प्रश्न का उत्तर कौन दे पाता है। कहते हैं
यहाँ पर कौन दे बताए, यहाँ पर बताया जो जीवन का जो लक्ष्य है ना, भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा का जीवन लक्ष्य क्या है? प्रेम। लक्ष्य क्या है? प्रेम। भगवान लक्ष्य नहीं है। बोले क्या बता रहे हो, हम तो भगवान को पाने के लिए ही भक्ति कर रहे, नहीं हम भगवान को पाने के लिए भजन नहीं कर रहे, हम उनकी प्रेम को पाने के लिए भजन कर रहे। बोले इसका मतलब क्या? देखो मतलब को समझ लो। आप बताओ रावण ने रावण को देखा कि नहीं? बताओ, बोलो रावण ने राम को देखा कि नहीं? तब उनको रावण का कुछ लाभ हुआ है, वो सीता भी उठा कर ले गया। फिर प्रभु राम को साथ में जिंदगी भर वैरी किया, युद्ध किया है। आप बताओ कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं? बताओ कंस कृष्ण को देखा कि नहीं? तब उसने क्या किया? बकासुर पुतना सबके सब मारने के लिए भेजा। कृष्ण आ गए तो मारने के लिए तैयारी हो गया। बोले ये शिशुपाल ने कृष्ण को देखा कि नहीं? बताओ, भागवत पढ़े हो, कृष्ण सामने खड़े हुए, शिशुपाल गाली निकाल रहे, गाली को ऊपर में गाली गाली को, कितना गाली निकाला? 101 गाली निकाला, 101 गाली निकाला। भैया कृष्ण दर्शन साक्षात कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, फिर वो गाली क्यों निकाल रहा था? उसका हृदय क्यों परिवर्तन नहीं हो गया कृष्ण को देख करके? हाँ, यही चीज को समझो, समझ गए कि नहीं? हाँ, अगर हमारे हृदय में भक्ति नहीं हो, अगर अभी कृष्ण यहाँ साक्षात प्रकट हो जाए ना, हमारी कोई लाभ नहीं होगा, हमारा कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? हृदय में प्रभु का पर तुम्हारी भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तुम्हारी भक्ति। इसलिए भक्ति कैसे होगी? जब तक हम साधन नहीं करेंगे हैं, तब तक भक्ति नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की, ये भगवान ध्रुव जी को पास ना आए, ध्रुव भगवान को पास में नहीं आया, ध्रुव केवल तपस्या किया, भजन किया है। जब नारायण आ रहे थे, किसने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो सज करके? बोले ध्रुव जी को दर्शन करने, दर्शन देने नहीं, क्या करने? दर्शन करने आ जा रहा हूँ, दर्शन देने नहीं, करने आ रहा हूँ। ये भक्ति की ये लक्षण है। बोले श्री कृष्णा कर्षण चसा, ये भगवान को भक्ति खेच कर ले आता है। इसलिए घर में भगवान रहने पर भी यहाँ पर कर्दव ऋषि भगवान के भजन करने के लिए गए। अभी घर में दो व्यक्ति, एक माँ और बेटा, लेकिन माँ को पता मेरा बेटा भगवान। देखो ज्ञान ऐसे की चीज होती है, जिसको अंदर में ज्ञान होना वो सबका पूज्य करा देता है। अगर एक माँ बोलेगा अरे मेरे बेटा इससे क्या कथा सुनोगा, बोले नहीं, अगर उसका अंदर में ज्ञान होना, भक्ति हो, मैया को भी वहां से उपदेश लेना पड़ेगा। इसलिए माँ को पता है ये मेरे बेटा भगवान है। एक दिन माँ स्वयं हाथ जोड़ करके बेटे को प्रार्थना करती, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में, कभी बेटे में, कभी ससुर घर में, कभी पति में, मेरा मन बड़ा भटकता है, ये चंचल मन का कल्याण कैसे हो? भगवान अपना माँ को उद्देश्य करके उन्होंने उपदेश प्रदान की। बोले माँ ये जो मन है ना, ये मेन है, हमारे 11 इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, लेकिन इसका राजा कौन है? ये मन है। मन ने कहा चलो भगवत कथा सुनने के लिए जाएंगे, देखो पूरा इंद्रिय यहाँ कर अगर बैठ गया, अगर मन बोलता है कि जरूरत नहीं, घर में बैठ रहो ना, टीवी खोल कर देख लो, बात कर लो, फिर आप यहाँ पर आते। इसलिए हमारे जो गुरु जी कहते थे प्रभुपाद, सवेरे उठो और अपना जूती लो, और अपना जूती लेकर के ये मन को 100 बार पीटो, ये मन को क्या करो, कितने बार मारो इसको, 100 जूती मारो ये मन को। बोले क्यों? बोले देखना ये जो मन है ना, आसानी से तो गंदी काम में चली जाएगी, लेकिन जब भक्ति की बात आती है ना, 1000 बहाना बजा, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसलिए बोलते थे सवेरे अपना जूती से मन को 100 बार मारो, मतलब ये मन को समझाओ, भगवान की भक्ति करो, हरिनाम करना, भजन में मन लगाओ, गंदी चीज में मत जाया करो, ठीक है? इसलिए बोले माँ ये मन ही मेन है, ये मन को जो भक्ति में लगाओगे, संतों के संग में लगाओगे, ये मुक्ति की कारण बनेगी। जब ये मन को विषय में लगाओगे, बंधन का कारण बनेगी। इसलिए माँ संतों की संग करना। बोले बेटा तुमने तो बता दिया संतों की संग करना, लेकिन संत का पहचान भी तो कुछ होगा। तो भगवान ने संतों का कुछ पहचान बताते हैं। सब नाम अजात सत्र साधु भी साधु भूषण। बोले संतों का पहला लक्षण है तितिक्षव,
तितिक्षा मतलब होता है सहन शक्ति। देखो ये सहन शक्ति ऐसे की चीज है ना, जहां पर तुम्हारी सहन शक्ति होगी, बंगला में कहा बताए, जो सहे सो रहे, जो सहे सो रहे, और जो ना सहे, मतलब जो ना सहे, जो सहन नहीं करता वो नाश है, उसका नाश हो जाता है। भक्ति जगत में हो नहीं तो ये संसार में भी हो, अगर थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आ जाए तुम्हारे, फिर घर तुम्हारे सही चलेगा? फिर सबके साथ दिन भर लड़ाई करते रहोगे। इसलिए कहते हैं भक्ति करने के लिए पहले सहन शक्ति चाहिए। आप विशेष करके जो भक्ति में सहन शक्ति तो चाहिए। तो आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं, आप ध्यान देकर सुनो। ये हमारे बड़े गुरुजी सुनाते थे। एक समय गुरुजी ने किसी अपना चेले को थोड़ा डांट दिया, कोई थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा डांट दिया, उसको तो बड़ा क्रोध आ गया। हम इतने बढ़िया घर से आए हैं, हमने छोड़ छाड़ कर लिखाई पढ़ाई, हम क्या डांट सुनने के लिए आए? हम जा रहे घर में जा रहे, आज और मंदिर में नहीं रहेंगे, हम घर में चले जाएंगे। इतने में उसका रोज काम था जो एक घड़े से यमुना नदी से पानी भर करके ले जाना इनका रोज काम था, ठाकुर को उसमें अभिषेक होता था। सोचा यमुना में जब गुरु जी बोलेंगे यमुना से पानी भर करके ले आओ, पास वहीं पर घड़ा रख करके मैं चला जाऊंगा अपना घर में। वो आया, जब घड़े को यमुना किनारे में रख करके घर में जा रहा था ना, वो घड़ा ने बोला इधर आ बेटा, वो घड़ा बात कर रहा है, बोले इधर आ बेटा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोला भजन के लिए आया, घर बार छोड़ करके मेरे गुरु जी हम कैसे शासन किया। वो घड़ा बात कर रहा है, ये गुरु जी प्राय करके कथा सुनाते थे हमारे बड़े गुरु जी, ध्यान देकर इस कथा को सुनो। घड़ा क्या कहता है? बोले जानते हो आज मेरे इतने सौभाग्य कैसे मिला, रोज इसी घड़ा में पानी यमुना के पानी तुम घर घर ले जाते हो और ठाकुर जी के इसमें अभिषेक होता है, तेरे को पता है आज कैसी सेवा में लगा? पहले मैं कहाँ था तेरे को पता? लोग जहाँ टाटी पेशाब करते हैं वहीं का मिट्टी था, किसी कुम्हार ने वहां से मिट्टी को वहां से लेकर गया मेरे को और धूप में अच्छे तरह से सुखाया और डंडे मार मार करके मेरे को एकदम मुलायम किया, तब भी मेरे को फिर छोड़ा नहीं, फिर पानी डाला और प्यारे में खूब रोंधा। अब देखना मिट्टी को खूब रोंदते हैं, प्यारे में खूब रोंधा मेरे को, तभी मेरे को छोड़ा नहीं, उसको भी मैंने सहन की। फिर उसके बाद में आप देखे हो जब घड़ा बनाते हैं एक मशीनी को ऊपर चढ़ा करके बनाते हैं और हाथ में ऐसे रख करके एक डंडा लेकर मारते हैं, ऐसे मार मार करके एक इसको बड़ा सुंदर घड़ा बनाते हैं। मतलब मेरे को खूब मार मार कर घड़ा बनाया, इतना नहीं फिर छोड़ा नहीं, फिर मेरे को धूप में रख दिया और इतनी कड़ी धूप में, फिर धूप में मेरे को सुखाया, तब भी मेरे को छोड़ा नहीं। आप देखा का भाटी में मिट्टी का पात्र को कैसे लाल करते हैं, अंदर में कोयला लकड़ी डाल देते हैं, ऊपर से पूरा पोत देते हैं जिससे धुआं तक भी नहीं निकली, फिर उसके अंदर में आग लगाते, उसके अंदर में आग लगाए तो 8-10 दिन तक वो जलते रहता है, जलते 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 फिर जाकर लाल होता है। इतना कष्ट मेरे को सहन करना पड़ा, तब भी मेरे को नहीं छोड़ा, तभी मेरे को मार्केट में ले गया बेचने के लिए। और मार्केट में देखना जब घड़ा कोई खरीदी करने जाते हैं डंडा रहता है, देखे ना डंडा रहता है, जो आए कान पकड़ उठे और मारे, डंडे से मारते हैं, पता चलता है ये फटा हुआ ना सही है, जो आए कान पकड़े और मेरे को मारे। ऐसे करते 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 तुम्हारी गुरु जी कैसे सौभाग्य से आए और आ करके मेरे को ऐसे कान पकड़ कर उठाए और डंडा मारे और मार करके मेरे को लेकर गए और लेकर के अभी मेरे को सेवा में लगा रहे। और देखो मेरे को रोज रोज तू पानी भर कर ले जाते हो और मैं ठाकुर जी की सेवा में अभिषेक होता है उसी पानी से, और रोज उसी पानी से अभिषेक होता है, चंदन कर्पूर अगरू होता है उसमें हाथ में ठाकुर को श्रृंगार कराते हैं। करते करते देख मेरे घड़े से भी देखो रोज कितने सुंदर खुशबू आ रहे, क्यों? वो अगरू चंदन से ठाकुर का श्रृंगार करते ना, हाथ में घड़े में लगता है वो घड़े से बड़ी खुशबू, तभी मेरे शरीर से खुशबू आ रहा है, तभी मेरे पानी से ठाकुर को अभिषेक हो रहा है। मैंने इतने सहन किया और थोड़ी सी गुरु जी डांट लगा दिया, घर छोड़ कर जा रहे हो, मंदिर छोड़ करके जा रहे हो, बेटा भगवान की भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है, इसे जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। बेटा कभी जब कोई भगवान की भक्ति करते देवता लोग भी उसको टांग खींचते हैं, बोले क्यों? ये भक्ति करके बोलो तो वृंदावन में चले जाएगा, हमारे सर पर प्यार रखकर वो भी टांग खींचते हैं। इसलिए बेटा खूब सहन करके रहो और खूब भगवान की भक्ति कर डट करके, तभी तो तुम बोलो तो वृंदावन में जाओगे ना, है?
इसलिए भगवान कहते माँ संतों का पहला गुण है सहन करना, सहन करना पड़ेगा तभी कोई चीज को तुम प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उन्होंने बहुत सारे उन्होंने गुण बताए, मतलब संतों का एक विशेष गुण है। ये 26 गुण में 25 गुण तो उनको बाहर का, लेकिन एक विशेष गुण, हाँ ये चीज को आप लोग ध्यान देकर सुनो, मतलब उनका जो विशेष गुण क्या है, मतलब मई अन्य भावना भक्ति कुर्बंती जैतना, भक्ति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति उसको भक्ति नहीं कहते, भक्ति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ थी। आज इनकी पूजा की काम नहीं बना, बोले भैया अमुक जगह पर कोई बाबा है झाड़ी पहुंचा करके चलो, वहां वहां काम नहीं बना, वहां पर कोई माता जी वहां पर चलो, नहीं। यदि ये भक्ति एक पतिव्रता धर्म है, नारी की धर्म, पतिव्रता नारी जैसा अपना पति की सेवा में ही संपूर्ण जीवन लगा देती है। इसलिए मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में बताओ दूसरा ना कोई। जैसे गोपियां कहती है जब उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियों को ध्यान की बात बताए, मन नाथ भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगी को आराध्य की। मन कितना है? 10-20 मन नहीं, मन एक ही है, वो एक मन एक को ही दे सकते हो, एक को ही, सबको नहीं दे सकते। बोलो वो एक व्यक्ति कौन है? कहते श्री कृष्ण है, बांके बिहारी है। ये ऐसे एक देवता है, आप लोग महाभारत देखे होंगे, भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन देखो मैं कौन हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, जिसको शंकर कहते हो मेरे में, जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो मेरे में, जिसको देवी कहते हो मेरे में, जिसको हनुमान गणेश का देव, ये सब दुनिया मेरे अंदर में, 33 करोड़ देवता प्रभु में। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर दिया, ये 33 करोड़ देवता की पूजा अपने आप हो जाती है, हम फिर इधर उधर दर दर भटकने का जरूरत नहीं, आज वहां कल वहां कल वहां नहीं, भगवान की भक्ति। भगवान कहते माँ मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वती जितना, एक अनिष्ठ होकर के मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। उन्होंने माँ को बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान बताए, बोले माँ गर्भ में जब 7 महीना हो जाए बच्चे को ज्ञान आ जाता है, देखता है कहाँ मैंने नरक में आ गया, टाटी पेशाब का थली में पेट में आना पड़ता है, जिनके लिए पूर्व जन्म में हमने इतने कष्ट करके पैसा कमाया वो सबके सब कहाँ है, कोई तो है ही नहीं। उसको पूरा ज्ञान होता है संसार में कोई किसी का नहीं, तब भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु जल्दी निकालो। बोले क्या करोगे? बोले एक बार अगर गर्भ से निकाल दोगे ना, फिर ये झूठा संसार में फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरा भजन करूंगा। बोले भूलोगे नहीं? बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा। भगवान कहते हैं बीच बीच में वार्निंग ही दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले पहले जब एक बाल पक जाए ना, ये मेरे फर्स्ट वार्निंग। आप लोग ध्यान देकर देखना, जब बाल पकता है ना यहीं से कान से, आप देखना, मतलब कान में एक बेल लगा ली, बोले देखो भगवान से बोल करके आया था ना भजन करोगे, कितना भजन कर रहे हो, कितना माला जप कर रहे हो, कितना समय उल्टा पुल्टा पेपर और टीवी देख रहे हो, लेकिन जब एक बाल पक जाए उसको उखाड़ देते हैं, बोले इतना जल्दी हम पूरा बड़ी बना रहे हो। फिर जब दूसरा बाल पक जाए फिर उखाड़ दे, तीसरा पक जाए उखाड़ दे, अगर खिचड़ी हो गया तो फिर कलर कर देते उसको, फिर हाँ मेहंदी से कलर कर देते हैं। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंखों में देखना फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा लगा देते। भगवान कहते फिर तीसरा वार्निंग की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले तुम्हारे एक एक दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा, हैं, एक एक दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में बढ़िया दांत लगा देते हैं। भगवान कहते फोर्थ वार्निंग की दूंगा। बोले क्या करोगे? फिर कमर टेढ़ा कर दूंगा, फिर डंडा पकड़ना पड़ जाएगा, फिर डंडा पकड़ना, फिर बोले फिफ्थ वार्निंग नहीं दूंगा, फिर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए ये एक एक वार्निंग भगवान देते हैं, इसलिए समय रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। इसलिए सबके सब हाथ उठाए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार बोले जोर करके, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। भगवान कहते माँ फिर मरने का बाद है ना, आप बताओ कितना दिन के बाद हम पवित्र होते? मरने का बाद एक व्यक्ति 13 दिन बाद, कितना दिन बाद? 12 दिन,
12 दिन है 13 दिन, 13 दिन कहते 12 13 दिन के बाद में हम क्यों पवित्र होते हैं, अब वो पता है। इसलिए आप देखना मरने के बाद एक गौरव पुराण सुनते हैं, सुने आप लोग गौरव पुराण? हाँ सुने ना, उसमें सब कुछ वर्णन आता है। कहते उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो नदी टाटी पेशाब खून पीता होता है उसको कोड़े मार मार कर पार करवाते हैं। इसलिए अब सुने होंगे कहते ना गैया दान दे दो, जल्दी गैया की पूछ पकड़ करके नदी को पार हो जाए। भगवान कहते हैं ये सब किसको ये बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा, जो भगवान की भक्ति नहीं करते। जो भक्ति करते ना, जिनकी गले में कंठी है, तिलक लगाते हो, भगवान की जो माला जप कर रहे हो ना, इनको कभी भी बैतरणी नदी पार होना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान खुद कहते बोले माँ जो व्यक्ति हरिनाम का ग्रहण करता है बोले अहो बद सपोच अतवरियान जत जिह्वाग्र वर्तते नाम उतुभ्रम, जिनकी जिह्वा में ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं बोले समझो पूर्व जन्म में वो चार काम कर गया है। बोले क्या किया? बोले सारे तपस्या कर चुके हैं, सारे दान कर चुके हैं, सारे तीर्थाटन कर चुके हैं, सारे यज्ञ कर चुके हैं, तभी इसी जीवन में इसकी जिह्वा के अग्र में मेरे नाम उच्चारण होता है। इसलिए जो व्यक्ति हरिनाम कीर्तन करते कभी भी उनको ये नदी पार करना नहीं पड़ता है। उसके लिए तो गोलोक वृंदावन से व्रत आता है उसके लेने के लिए। इसलिए भगवान कहते माँ भले ही छोटे जाति में अगर चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर मेरे नाम ग्रहण करता है उसको ब्राह्मण से श्रेष्ठ मान, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म हो अगर मेरी भक्ति नहीं करते वो चंडाल से भी आता है। इसलिए माँ इस जीवन पा करके भगवान के नाम हमें ग्रहण करनी चाहिए। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राम। देखो कल हम लोगों ने एक माला किया था, याद है कि नहीं? आज भी हम एक माला करेंगे, ठीक है? माला करके फिर प्रसाद लेके जाएंगे। हमारे बीच में एक छोटा बच्चा है, वो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कथा सुना देगा। 5 मिनट इधर आ जाए, चल दिया था। हरे कृष्ण। देखो ये बच्चा ये कहाँ से आया भैया? अज्ञानतिमिरांस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हम लोग का सौभाग्य है कि श्री महाराज जी के समक्ष हम लोग उपस्थित है। अब समय का अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी कह रहा हूँ। देखो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान में और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है, और हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं तो श्री कृष्ण को ही श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यह बात यदि मन में है कि भगवान में और भगवान की कथा में और भगवान के नाम में भगवान की लीला में कोई भेद नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। देखो हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति बढ़ रही है? क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो देखो हमारी संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है श्री पद्यावली, उसके अंदर 6 सूत्र बताए हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। विच 6 सूत्र कौन से हैं? उत्साह निश्चया धैर्य तत्पत्कर्म प्रवर्तनात् असंग त्यागात् सतो वृत्ति षड्विर भक्ति प्रसिद्धति। पद्यावली देखो 6 सूत्र, इसी को ही समझा देता हूं, इतना समय नहीं है। सबसे पहले उत्साहन, उत्साहन शब्द का अर्थ क्या है? उत्साह से उत्साहन शब्द बना है। उत्साह जब भी श्री भगवान के आलय में जाएं, जब भी हम लोग मंदिर में जाएं, ठाकुर जी के गर्भगृह का दर्शन करें, तो मन में पहुंचने से पहले उत्साह होना चाहिए कि भगवान ने क्या आभूषण धारण कर रखे हैं, भगवान ने किस अलग अलग किस रंग की रंगावली से उपयुक्त वस्त्रों को धारण कर रखा है। संत चले आवे उससे पहले मन में उत्साह होना चाहिए कि संत हमारे यहाँ आ रहे हैं। कबीर जी की वाणी है, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो, अरे बड़े भाग से साधु आए उठकर करूं प्रणाम सेवा करूं भाग मेरे जागे घर ही में आ गए चारों धाम संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव
चंदन को देखूं आव तो। साधु तीर्थ को पावन करने नहीं जाता, पद्म पुराण का श्लोक है तीर्थ है तीर्थेषु पावनम, तीर्थ में जाकर के साधु तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान कर देता है, तीर्थ धन्यात धन्य हो जाता है साधु और संत के आगमन से। संत तीर्थ में पावन होने नहीं जाते हैं, तीर्थ को पावन करने के लिए संत जाते हैं। तीर्थ हु सो तीर्थ हु को तीर्थ साधु करे सदा उपकार, बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन कहत कबीर विचार। संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यू ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। इसलिए उत्साह सेकंड है निश्चया, यह निश्चय कर लिया जावे कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, इसी जन्म में सद्गुरु के आशीष द्वारा सद्गुरु के चरणाश्रित होने के साथ साथ सद्गुरुदेव के पूर्ण श्रद्धा से चरणाश्रित होकर के श्री भगवान के दिव्य श्री गोलोक वृंदावन में हमारा जाना हो जाए, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। उत्साह निश्चय, यह निश्चय होना चाहिए। शबरी कितनी भी थी उसको निश्चय था कि हाँ रघुपुंगम आएंगे, श्री रघुपुंगम आएंगे, और एक दिन श्री भगवान आ गए। उत्साह निश्चय धैर्य, तीसरा है धैर्य, जो भक्ति के भक्ति बढ़ने का एक कारण है धैर्य। व्यक्ति को धैर्य होना चाहिए। आजकल क्या होता है, दो माला करी और सोचे श्री भगवान कब आएंगे, वो तो आए नहीं है, कृपा कब होगी वो तो हुई नहीं है। इसलिए धैर्य होना आवश्यक है। शबरी के पास धैर्य था, शबरी जैसा उत्तम धैर्यवान बहुत बहुत श्री भगवान के वो बहुत कम ही ऐसे भक्त हुए जिनके पास धैर्य था। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आवेंगे, मैं चाख फल लाई कब आवेंगे रघुराई, मेरी बैठ कुटी के बीच राम जी कब भोग लगावेंगे। मैं वृंदावन से जा रहा था, गली में दान गली से आगे जा रहा था, राधा जो राधा को राधा वल्लभ है ना, राधा वल्लभ से इस साइड आ रहा था, तब एक माता जी झाड़ू निकाल रही थी, सुबह सुबह का समय था, तो वो सुबह सुबह झाड़ू निकालती यही गाना यही भजन गा रही थी, शबरी कर रही रास्ता साफ राम मेरे कब घर आवेंगे। तो वहां से ही सुना मैंने। तो कहने का अर्थ है उत्साह निश्चय धैर्य। चौथा तत्पत कर्म प्रवर्तनात्, वह कर्म जो जिससे श्री भगवान प्रसन्न हो, जिससे संत हमारे सद्गुरुदेव प्रसन्न हो। भैया सद्गुरुदेव की वाणी वेद की वाणी है, जिसको अपने सद्गुरुदेव की वाणी पर विश्वास नहीं है ना, उसको श्री भगवान कभी नहीं मिल सकते। इसलिए श्री सद्गुरुदेव की वाणी, जो जिसने सद्गुरुदेव की वाणी को एक बार कहते ही उनकी वाणी का पालन कर लिया है, सच्ची श्री भगवत सेवा तो वही है। उत्साह कीर्तन में जाना, बार बार कीर्तन अटेंड करना, कथा श्रवण करना। आज जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है, वो प्रत्यक्ष हरिनाम की हम लोग अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, शुद्ध हरिनाम अभी नहीं, लेकिन ऐसे इसको सोच करके निराश नहीं होना। करते 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 शुद्ध, एक दिन ऐसा शुद्ध हरिनाम आ जाएगा कि ताहुइला जानी में अपराध साक्षय प्रचुर, और कृष्ण नाम जीव मात्र ना होय अंकुर। ऐसा आ जाएगा, ऐसा उस दिन ऐसा समय आ जाएगा कि एक बार हरिनाम, एक बार श्री कृष्ण नाम लेते ही स्फुरित हो जाएगी भगवान की। अस्तु, इसीलिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्पर कर्म प्रवर्तनात्। अब पांचवा है असंग त्यागात्, असंग का परित्याग कर देना। ये लगे कि ये व्यक्ति कृष्ण संगी नहीं है, ये भगवत संगी नहीं है, ये साधु का सम्मान नहीं करता, अभी तो विपरीतता का प्रबोध बोधक प्रबोध प्रदान करता है, उसका उसी समय परित्याग कर देना। संसार के साथ वो चल रहा है लेकिन भगवत्ता से विमुख है, तो उसका परित्याग कर देना। जो भी हरि कथा से विमुख हो और हरि कथा से विमुख करावे, उसका तो संग ही बहुत 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 खराब है, उसका संग नहीं करना, ये वर्जित है भक्ति, भक्ति के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसमें। तो उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्पत कर्म प्रवर्तनात् असंग त्यागा। चौथा है सतोवृत्ति, वह वृत्ति सतोवृत्ति, सत शब्द श्री भगवान ही है, भगवत भक्ति भगवत वृत्ति, वो भगवत वृत्ति आ
आवेगी कैसे, श्री भगवान का मंगलमय नाम स्मरण करते हुए, श्री भगवान की मंगलमय कथा का स्मरण करते हुए, श्री भगवान की धाम परिक्रमा करते हुए, संतों के चरणारविंदों में आश्रय ग्रहण करते हुए, संतों के दर्शन प्राप्त करते हुए, संत की महिमा तो मैं आपको क्या बताऊं। यदि कोई मुर्दा जल रहा हो शमशान घाट में, यदि कोई मुर्दा जल रहा हो और दूर से संत जाता हुआ हो, अगर संत ने अपनी एक दृष्टि उस मुर्दे के मुर्दे को रख उस मुर्दे पे लगा दी, तो वो बिना किसी साधन के भगवत धाम चला जाता है। ऐसी संत की दिव्य आभा है, ऐसी संत की ग्लोरिफिकेशन है। इसलिए संत शब्द संतत्व से आता है और संतत्व कृष्ण से विमुख नहीं है, संतत्व कृष्ण के अनुकूल है, क्योंकि कृष्णदास से संतत्व का आविर्भाव हुआ है। वैष्णव संत इनके सदा अपनी तरफ से श्रीधाम वृंदावन में, और हम लोग तो इतने श्रेष्ठ जगह पे बैठे हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह वगैरह ये कथा होती है, इनकी तो बात अलग है। अब तो श्री भगवान के धाम में कथा हो रही है, ये सौभाग्य है हमारा, ये भगवान का धाम स्वयं श्री कृष्ण, ऐसा मान करके चलो। राधा रानी ने अंक में बिठा करके अपने शुक्रूपी सदगुरुदेव को आज्ञा दी है कि श्री भगवत धाम भगवत चर्चा का सौभाग्य प्राप्त कर कर करवा, और ऐसा प्रतीति होने पर हम लोग आज यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी की कथा। भागवत पद्म पुराण, भगवत भगवत कृपा से मुझे पद्म पुराण को पूरा कंप्लीट पढ़ने का सौभाग्य, मैंने पारायण भी किया है एक बार पढ़ने का सौभाग्य, मैं अब स्कंद पुराण की ओर हूँ। पद्म पुराण में जब महात्मा का वर्णन आता है तो श्रीधाम वृंदावन का दिव्य महात्मा वहां पर प्रस्तुत होता है। वहां पर लिखा जा वहां पर एक बात आई है वृंदावन के लिए, श्रीधाम वृंदावन में किया हुआ एक भी कार्य जिससे संत और सद्गुरुदेव एक बार रीझ जाए, मानो श्री भगवान ने अपना पूरा का पूरा वैकुंठ उसके नाम कर दिया है। ऐसी दिव्य महिमा है श्री भगवत धाम श्रीमद श्री वृंदावन की। और यहाँ पे तो श्री कृष्ण की नहीं चलती, यहाँ पे तो श्री राधा रानी की चलती है, क्योंकि वृंदावन की तो अधिष्ठात्री राधा रानी है। श्री राधे रिदिते रसेन जड़िमा ध्यानेस्तु मे गोचरम, ये राधा रसुदानिधि का श्लोक है। और श्री राधे रिदिते रसेन जड़िमा स्वच्छंद वृंदावन, ये श्री वृंदावन महिमामृतम का श्लोक है। दोनों श्लोक एक ही है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के। अस्तु, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पर रह करके कर क्या रहे हैं। हम लोग जितना रहे श्री धाम वृंदावन में, नाम जप संतों का संकीर्तन हरि कथा इन सब में निमग्न रहे, क्योंकि इन सब में निमग्न रहेंगे हमें तो श्री कृष्ण को नहीं खुश करना। वैसे तो दोनों में कोई भेद नहीं है, राधा माधव रूपकम हमारे जो भक्ति संदर्भ है उसका श्लोक है। बाकी श्री राधा रानी को रिझाना है, क्योंकि देने वाली तो राधा रानी है, नंदनंदन तो देने वाले भी नहीं है कुछ, स्पेशली इन श्री धाम वृंदावन, क्योंकि इनके शब्द जो नंदन शब्द है वो बड़ा विचित्र है। देखो नंदन शब्द कैसे बना है, पूरा ना आधा ना द और फिर ना, ऐसे नंदन शब्द बना है ना, तो इसका अर्थ क्या है। आदौ नकार जिसके आगे नकार है, परतौ नकार जिसके बाद में नकार है ने है, और मध्य नकारेण हदौ दकार बीच में आधे नैने दकार जो दे है, दानी का द दान का द दाता का दा, उसकी गर्दन पर चढ़ करके आधे नैने उसकी दान की दानत्वता मोड़ दी है, इसलिए परतौ नकार और मध्य नकारेण हतौ दकार इत्थौ नकार त्रय संयुतस्य जिस नंदन शब्द में तीन ने, अरे कादान शक्ति खलु नंदनस्य, वो श्री कृष्ण वृंदावन में देने के योग्य हैं। ये तो श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, श्री राधा रानी कृपा करेंगी, और राधा रानी कृपा कब करती हैं, जब उनके लाडले संतों के चरणाश्रित होकर के हम श्री हरिनाम करते हैं, श्री भगवान की दिव्य कथा सुनते हैं और श्री भगवान के दिव्य संकीर्तन की ओर उन्मुख होते हैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ। देखो बहुत सारी गुरुदेव ने तो मुझे बहुत सारा सिखाया, पर मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण केवल कुछ ही सीख पाया हूँ, इसलिए इन सभी शब्दों के साथ वांछा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावने श्री गुरुदेव महाराज की। देखो ये बच्चा ऐसे नहीं पढ़ाई, अभी इनकम टैक्स का ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने कर दिया है, इसलिए हम चाहते तुम्हारे बच्चों को भी ना अभी दिल्ली मेट्रो में इसका नौकरी मिली उनका है, इसलिए ऐसे नहीं पढ़ाई भी करता है और भक्ति भी करता है, इसलिए आप भी अपना बच्चों को क्या करो उसको भक्ति भी कराओ और उसको पढ़ाई करो, ठीक है ना। आप चाहते हो आपका बच्चे ऐसे बने, चाहते हो करो चाहते हो।
सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो, हैं, सत्संग में भेजो। जो बेटा सत्संग में जाएगा ना, वो जरूर पिता माता की सेवा करेगा, आदर करेगा। क्यों? उसके अंदर में अच्छी संस्कार पड़ रहा है, वो सबसे पहले तो पिता माता की सेवा करेगा। ठीक है, देखना पड़ देखो मतलब। हाँ अच्छा, मुझे जिसको पास में है नहीं वही लोग, जिसके पास में है मतलब, हाँ जिसको, हाँ अभी है ना माला तुम्हारे पास में, कहाँ है चले लो, एक माला कर लो, आरती प्रसाद लेकर जाओ, बाद में करना, ये बाद में हाँ। हरे कृष्णा, ये अंगुल को सीधा करके रखना, ठीक है, ये अंगुल को स्पर्श नहीं कराना, ये बीच वाले अंगुल को बीच वाला अंगुल में रखना, क्योंकि ये गंदा अंगुल, हम कहते हैं ना हम तुम पर ठीक कर देंगे, ये सबसे पहले ये निकलना है, ये बीच वाला अंगुल तुम्हें रखना, ठीक है, ऐसे। और ये सुमेर में इसको इस तरह नीचे रखना, नीचे रख करके मेरे साथ साथ में बोला। हाँ देखो, ये हरिनाम करने से पहले हम एक नाम करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम और नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं। मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलो, बोले श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्री श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। हाँ फिर नाम करो, हाँ पूरा बोल करके ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोल कर एक बोल सर करना, ठीक है। मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, सब बोला हरी, सबके सब बोलना, जो नहीं बोलेगा ना, जो बोल रहे हैं उनका पाप चले जाएंगे, हैं, ये सबके सब मेरे साथ में बोलेंगे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। माला पूरी हो गई, कितना बाकी है? पूरी हो गई कि माला जी पूरी कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। माला सब वापस दे, सब खड़े हो जाओ। प्रभु जी भजन गाएंगे, सबके सब भजन में नाच लेगा, फिर आरती प्रसाद लेकर जाना। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अरे नैनन में श्याम समागम